हेलो हेलो स्टार्ट हो गया क्या अभी हेलो बच्चों क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप चैट देख लो ना बता देना मेरे को एक बार हम्म हेलो बच्चों क्या मेरी आवाज़ आ रही है जल्दी से मैसेज करके बता दो मेरे को एक बार <coughs> गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे बच्चों को उम्मीद है काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप हम्म अच्छा चलिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग हेलो हैलोअल कैन हेलोरंस पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है कंप्लीट एन के थ्रू कंप्लीट होने वाला है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस बुक को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको ज़रूर अपने पास रख लें और एक रफ़ कॉपी भी रख लें ताकि हम सारे पॉइंट्स को पढ़ भी लें और समझ लें साथ ही साथ कुछ वैसे पॉइंट्स दिखेंगे जो आपको लगेगा हाँ आ, मैंने एन में कवर नहीं किया है तो उसको भी यहां पर हम ध्यान से देख लें ठीक है समझ में आ रही है बात एक मिनट चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा हेलोल्केलोरस के बारे में और यहाँ पर जैसे जैसे एन ने पढ़ा रखा है एग्जैक्टली exactly वैसा ही हम लोग देखेंगे और उसको साथ ही साथ हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा भी कुछ टाइम भी दूंगा और मैं चेक करना चाहूँगा कि आपको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया अगर इस सेशन को बहुत अच्छे से आप देखोगे तो आपका इस टॉपिक का तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोल्केलोरस में अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें हैलो हैलो में तो देखो बेटा कैसे हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं देखो जैसा कि हमें पता है और रिंस में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास ठीक है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे इंट्रो देखेंगे सबसे पहले कि भाई ये क्या है क्या नहीं है कॉमन नेम आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं वो सब के सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा देन आईयूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग आइसोमेरिज्म के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे ठीक है आइसोमेरिज्म के लेकिन एक बात समझ लें आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल का पार्ट है वो तो पहले डील कर लेंगे अपन लेकिन स्टीरियो का जो पार्ट है वो एसेंटो रिएक्शन के साथ साथ हम लोग डील करने वाले हैं ठीक उसके बाद अगर आई और ये हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ठीक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे कैसे हेलोल बनने वाले हैं कैसे हेलो बनेंगे ये हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उसके केमिकल रिएक्शन पे केमिकल <coughs> रिएक्शन पे ठीक और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो एक एक बात हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे तो ध्यान से देखिए एनसीआर में इंट्रोडक्शन के बाद आई यू पी दिया है और उसके बाद बीच में ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दिया लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो बेटा आ, अगर आप एनसीआर के फर्स्ट पेज को देखेंगे एनसीआरटी के फर्स्ट पेज को देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आने वाला है एनसीआरटी के फर्स्ट पेज में जब आप देखेंगे तो उसमें दो पॉइंट्स ऐसे हैं तीन पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे बन सकते हैं देखो अगर इस पॉइंट के देखें तो क्लोरीन कंटेनिंग देखो ध्यान से देखो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय इक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ये फर्स्ट पेज में आपका है थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है तो मैंने तीन पॉइंट उसके निकाल के दे रखे हैं ठीक है दूसरा अगर देखें तो आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडिन कंटेनिंग हॉर्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं थायरोक्सिन और थायरोक्सिन से जो डिफिशियंसी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं गोइटर ठीक है दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा जो अगर देखें तो सेंथेटिक हेलोजन जो होते हैं बेटा सेंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स जिसे क्लोरोक्विन जो बोलते हैं उसका जो यूज होता है वो किस में होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में तो जो फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज में जो तीन जो रट्टा मारने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं जिसको आपको याद रख लेना है किसी भी कीमत पर क्या समझ में आई बात तो चलिए अब इसके टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ठीक है बेटा क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं और क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि एक एल्काइल एलाइट या हेलो एल्किन किसे कहते हैं जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा जब कोई हेलोजन जो होगा बेटा एल्काइल पार्ट से अटैच होगा तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्किन और अगर कोई हेलोजन बेटा

और अगर हम यहां देखें तो यहाँ पर हेलोजन के जो लोन पेयर्स होंगे बेटा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इसकी जो रिएक्शन होगी और इसकी जो रिएक्शन होने वाली है वो कुछ डिफरेंट होने वाली है साथ ही साथ इसके बॉन्ड लेंथ में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है ये रेजोनेंस में हमने पढ़ रखा है और साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे रिएक्शन करेंगे वहां पर भी आपको समझ में आएगा लेकिन उससे पहले जो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं आई और कॉमन नेम से रिलेटेड वो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं तो जरा ध्यान से देखो बेटा आपको समझ में आएगा कि एलाइलिक हेलाइट और ये काफी दो इंपॉर्टेंट नेम है जो बार 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 यूज होते हैं अपने केमिकल रिएक्शन में तो देखो बेटा एलाइल हेलाइट क्या होता है जब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हम किसी हाइड्रोजन हटा को हटाकर हेलोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं एलाइल हेलाइट का मतलब समझ में आया बेटा डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जब कोई हाइड्रोजन को हटा के हम हेलोजन लगाते हैं तो इसे बोलते हैं एलाइल हेलाइट एंड दिस कार्बन इज कॉल एलाइलिक कार्बन एलाइलिक कार्बन कभी ना कभी एफ आर एस आर में आगे एल्किन में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा एलाइलिक कार्बन जो होता है वो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज होता है ठीक यहां पर अगर देखें बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है ध्यान से देखिए ये क्या है बेटा बेंजिन है और बेंजिन के नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं किसी को याद है क्या बेंजिन के नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं क्या किसी को पता है तो आपके दिमाग में आएगा कि इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन ठीक है बहुत अच्छी बात है बेंजाइलिक कार्बन है और इससे जो हाइड्रोजन हेलोजन अटैच होगा उसे क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलोजन अगर यहां पर मान लो बेटा मैं ओएच लगा दिया तो क्या इसे आप बेंजाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कुछ ऐसे नाम जो काफी इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन में आजकल क्या करेगा वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा आपको ये नाम दे देगा और फिर बोलेगा कि भाई आगे, आगे आप रिएक्शन करो तो अगर हमें नाम ही नहीं पता रहेगा तो रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे ठीक है बेटा तो एलाइल और बेंजाइल का मतलब समझ में आ गया इन दोनों केस में जो हैलोजन है बेटा वो एसपी कार्बन से जुड़ा होता है

लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये डीलोकलाइज्ड है क्योंकि यहां पर देखिए कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है क्या समझ में आ गई बात चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एराइल हैलाइड की तो हम लोग यहां पर देख ले तो बेसिक टर्म्स जो आने वाले हैं रिएक्शन में वो यहां पर हमने कवर किया जैसे कि एलाइल बेंजाइल विनाइल और एराइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स क्या होता है तो क्या आप लोग को पहले ये बताओ मेरे को ये जो स्लाइड वाला पार्ट है हेलो एल्केन का जिसमें नाम से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बोली हैं क्या आप सबको क्लियर हो गया है फटाफट बताओ फटाफट बता दो मेरे को क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हम लोगों ने यहां पर यह चीज पढ़ा एलाइल वेंजाइल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं एलाइल वेंजाइल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक और पार्ट आपको दिमाग में आने वाला होगा वीसीनल एंड जेमिनल क्या सुना सुना लग रहा है एंड क्या आपको सुना सुना लग रहा है जैटा बता दो हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है जेमिनल डाइलाइट क्या होते हैं ध्यान से देखिए अगर मान लो बेटा सी एस थ्री है और ये सी एस थ्री है तो जैसे हम इसे क्या कह सकते हैं इथेन इथेन और से अगर मैं दो हाइड्रोजन जो है बेटा सेम कार्बन से रिमूव कर दूं और वहां पर मैं वहां पर क्या कर दूं दो हेलोजन जोड़ दूं बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो कुछ इस तरीके से सी एस थ्री सी एच एंड एच टू जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हों तो बेटा इसे हम कहते हैं जेमिनल क्या कहते हैं बेटा जेमिनल कहते हैं और अगर हम लोग मान लो कि दो हाइड्रोजन जो रिमूव कर रहे हैं वो एडजेसेंट कार्बन से हटा रहे हैं एडजेसेंट समझ में आ रहा है आजू बाजू कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर अगर हम हेलोजन लगा रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा वीसिनल होगा तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा ये जेमिनल और वीसिनल जो टर्म है आगे आप जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं काम आएगा है ना जैसे आपको जेमिनल डायोल का नाम सुना होगा एक कार्बन पर दो एच जनरली जो अनस्टेबल होते हैं और अगेन वो ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए इसे हम क्या कहते हैं विसिनल ठीक है कहते हैं बेटा क्या समझ में आई बात तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन बन जाएगा देखो कैसे कि एलाइल में बताओ किससे जुड़ा हुआ है sp2 से या sp3 से विनाइल में बताओ हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है sp3 से या sp2 से और साथ ही साथ वहां पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि हेलोजन का जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है या डीलोकेलाइज है उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी तक बताया आपको फटाफट बताओ क्या क्लियर है यहां तक बताओ क्लियर है बेटा यहाँ तक हम्म hmm. बहुत बढ़िया हाँ बेटा अनुराग पीडीएफ भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है जो कोटा पल्स भाई यान अकेडमी का ग्रुप है टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तो उसके लेकर टेंशन मत लो है ना अभी इसको पूरा फोकस करो समझने का कोई दिक्कत यहाँ पर होगी तो मेरे को बताते जाओ ताकि मैं उसे रिपीट कर दूँ आपके सामने ठीक है बेटा चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हमने बेसिक क्लियर कर लिया तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए तो आपको दिखेगा राइट आई ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट देखो बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो एनसीआर का है ठीक है अगर आपको एनसीआर को फॉलो करना है और आपको पता है कि नीट में जो भी चीजें पूछे जा रही है वो एकदम एनसीआर की है तो देखो एनसीआर के आई यू पी एस सी के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन काफी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना रखा है जिससे बच्चे फंस जाते हैं तो चलो सबसे पहले मेरे को पहले क्वेश्चन में फटाफट फटाफट मेरे को बता दो कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है पीसीसी में कितने कार्बन है जल्दी से बताओ बेटा क्योंकि हमें पता है किसी भी आई यू में सबसे पहले हम पीसीसी को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, है सेलेक हैं जिसमें और उसके बाद जाकर हम क्या देखते हैं सब्सटीट यकीन करो पेरेंट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया और नंबरिंग कर ली तो बेटा चार ऑप्शन देख बहुत आसानी से तुम आंसर टिक कर सकते हो चलो जल्दी से मेरे को बताओ जल्दी से बताओ क्या इसमें आपको पेरेंट कार्बन चेन दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर को यूज कर लिया या किसी तरीके से उसके स्ट्रक्चर में अच्छे से कंप्लीट उसका फॉर्मूला दिखा दिया तो बच्चे काफी डर जाते हैं जरा ध्यान से देखो क्योंकि जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया तो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इन जनरल जब हम सीखते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाया जाता है ना वहां पर हाइड्रोजन सी एस थ्री सी एस टू ऐसे करके लिख देते तो बच्चा कन्फ्यूज नहीं होता है चलो बहुत सारे गधों ने चार सारों ने पांच बुलाया और छह भी बुलाया एक काम करो चार ऑप्शन दे रहा हूँ वो चार ऑप्शन में एक टिक कर देना है ना चलो चलो पहले देखो पहले पी एफ जी है क्या तो मुझे लगता है कि भाई इसमें पी एफ जी तो नहीं है तो पी एफ जी नहीं है तो फिर क्या ढूंढूंगा मल्टीपल बॉन्ड और जरा ध्यान से देखो तो मुझे ये दो कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड है और इन दोनों कार्बन को लेकर चलना है है ना इन दोनों कार्बन को लेकर चलना है और साथ ही साथ मल्टीपल बोन के बाद नंबर ऑफ कार्बन पर फोकस करना है तो तो जरा ध्यान से इधर तो कोई कार्बन है नहीं इसके इधर एक ही कार्बन है और ये यहाँ, तो बेटा यहाँ पर लिया है और मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई जब पीसीसी का सिलेक्शन हो चुका है सिलेक्शन हो चुका है तो भाई अब उसकी नंबरिंग करेंगे ठीक उसी तरीके से सबसे पहले फोकस करते हैं सिलेक्शन पर नीट में और सिलेक्शन के बाद रैंक पर फोकस करते हैं क्या समझ में आई बात तो अगर हमसे मैं पूछूं के लिए क्या करते हैं तो 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 जैसे हमें पता है कि number of carbon तो सेलेक्ट कर लिया है है कि कर 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 लिया लिया को को अब जब हम PCC को सेलेक्ट कर हैं, तो हम आएगा मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद फाइनली क्या बेटा आ क्या समझ में आ रही बात बेटा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्यों नहीं आया क्योंकि नंबर ऑफ ऑलरेडी हमने समझ में आई बात तो जब सेलेक्ट कर ही लिया तो उसको देखने की जरूरत नहीं है तो मुझे क्या लगता है कि नंबरिंग यहां से करना होगा वन टू हो जाएगा और अगर यहां देखे तो ये थ्री हो जाएगा और यहां पे देखे तो फोर हो जाएगा तो यहां पर दे आर टू सब्सटीटमेंट एक का नाम क्या हो जाएगा बेटा ब्रोमो और एक का नाम हो जाएगा मिथाइल मुझे बताओ सब्स्टिटमेंट को सबसे पहले लिखते हैं तो क्या मैं ब्रोमो को पहले लिखूं या मिथाइल को पहले लिखू जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या मैं ब्रोमो को लिखूं या मिथाइल को लिखूं फटाफट 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 बताएंगे ब्रोमो को लिखूं या फिनाइल को लिखूं बहुत बढ़िया इतना लेट करोगे हाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एबीसीडी में पहले बी आता है तो हम यहाँ पर थ्री ब्रोमो लिखेंगे टू मिथाइल लिखेंगे उसके बाद ब्यूट वन इन लिखेंगे क्या समझ में आई बात क्लियर है और बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं सर नंबरिंग इधर से करेंगे क्यों सर बी आर ब्रोमिन पहले आ रहा नहीं जैसा कि मैंने बताया कि जब आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं पेरेंट कार्बन चेन जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद नंबरिंग के लिए आपको ये काम करना है तो क्या मैं इसका डायरेक्ट आपसे पूछ सकता हूँ जल्दी से बता दो तो इसके पेरेंट कार्बन चेन में क्या होगा फटाफट बताओ इसके पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा जल्दी से बताओ पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन फटाफट बताओ जल्दी जल्दी इसमें टाइम मत लगाओ मेरे को जल्दी से बताओ नथिंग पर्सनल ओके गुवाहाटी में बहुत बढ़िया हाँ भाई बताओ 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 जल्दी से जल्दी से इधर 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 पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन हाँ भाई जल्दी से बेटा नथिंग पर्सनल जो भी है बार बार मैसेज ना करे क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं इस बात का ध्यान रखें है ना चलिए तो यहां पर अगर आप देखें तो अगेन पीएफजी तो कोई है नहीं बेटा पीएफजी नहीं है तो मैं मल्टीपल बॉन्ड देखूंगा और ये दोनों कार्बन जो है दिख रहा है कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है मतलब इन दोनों कार्बन को तो लेना ही है और साथ ही मेरे को मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन देखना है तो नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो यहां से चेन स्टार्ट कर सकते हैं और चेन स्टार्ट करके अपन यहां तक जाएंगे ठीक है अब यहां तक जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि ना इधर कार्बन है ना इधर कार्बन है ना इधर कार्बन है तो मेन चेन जो होगा बेटा यहीं तक हो जाएगा और नंबरिंग जो होगी बेटा यहां से होगी या यहां से से होगी जरा ये सोच के बता दो तो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबरिंग हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे तो जरा ध्यान से से देखो इधर से भी नंबरिंग करते सेकंड मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा और अगर यहां से करें तो यहां पर भी सेकेंड पर मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा और जब मल्टीपल बॉन्ड से बात नहीं बनेगी तो सब्सटीटेंट को देखना होगा और सब्सटीटेंट जो है पहले पोजिशन पे यहां तो वन टू यहां थ्री और यहां क्या हो जाएगा फोर और यहां पर अगर देखा जाए तो

क्या सेकंड कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है क्या वो जीआई शो कर रहा है जरा जल्दी से बता दीजिए मेरे को क्या ये जीआई शो कर रहा है देखो 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 तो आपको दिखेगा हाँ सर ये जीआई शो कर रहा है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एटम पर इधर भी डिफरेंट वैलेंसी है और इधर भी डिफरेंट वैलेंसी है और इसे हम क्या कह सकते हैं ट्रांस कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बेटा ट्रांस क्यों क्योंकि यहां पर दोनों हाइड्रोजन जो है कॉमन ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है क्या क्लियर है सबको ठीक बहुत अच्छी बात है तो आई यूपीएससी का एक क्वेश्चन मैंने यहां पर रिलेट कर दिया तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं ए ऑन कर देना भैया थोड़ा ठीक है बहुत बढ़िया चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को मजा आने वाला है इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का पूरा रिवीजन हो जाएगा ध्यान से देखिए द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है सी एच फोर लिखकर छोड़ दिया है एंड ऑल्सो राइट देयर कॉमन नेम मतलब कॉमन नेम आपका रिविजन होने वाला है क्योंकि आपको पता है एन आइसो न्यू सेकेंडरी टर्सरी को लेकर कॉमन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए सी यहां पर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया फोर और यहां पर इसका दिमाग में ये आएगा कि सर देखो चार कार्बन है नौ हाइड्रोजन है तो सबसे पहले तो हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या कहीं इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से इस मोलिकुलर फॉर्मुला से कहीं कोई रिंग या पाइबोड तो नहीं है तो जरा ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि यहां पर चार कार्बन है और एल्केन के अकॉर्डिंग एल्केन के अकॉर्डिंग दस हाइड्रोजन होने चाहिए थे क्योंकि हमें पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू होता है और उसके अकॉर्डिंग दस हाइड्रोजन होने चाहिए लेकिन यहां पर कितने हैं नाइन और हमें यह भी पता है कि जो ब्रोमिन है वो हाइड्रोजन के जगह ही आया होगा तो ओवरऑल अगर देखे तो डिग्री ऑफ कॉन्सेचुरेशन जीरो है जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा नो पाई नो रिंग क्या समझ में आई बात क्या बोलेंगे? है 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 तो नो पाई, नो रिंग, मतलब ना ही इसमें बनने बनने वाला ना ही रिंग बनने वाला है। और हमें पता है, चार चार को को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं? चार कार्बन को इंडिकेट करने के दो तरीके हैं एक तो अनब्रांच कर दो और दूसरा क्या कर दो ब्रांच कर दो याद आ रहा है क्या बेटा ये होता था ब्यूटेन और ये होता था कौन आइसो ब्यूटेन क्लियर है बेटा लेकिन हमें इसमें क्या करना है एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमिन लगाना है एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है ब्रोमीन, और अगर हम याद करें तो, के, के, तो पांच कार्बन की रिक्वायरमेंट होती थी ठीक है तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर भी ब्रोमीन लगा सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहां पर भी ब्रोमीन लगा सकते हैं मतलब अनब्रांच वाले से टू टाइप्स के हमें यहाँ पर एल्काइल हेलाइट दिख रहे हैं और आइसोब्यूटेन से अगर बनाएंगे तो एक ब्रोमिन यहां लगा सकते थे और एक ब्रोमिन यहाँ लगा सकते थे तो टू टाइप्स के अल्काइल हेलाइट दिख रहे हैं जरा मुझे बताओ क्या ये अलकाइल हेलाइट वन डिग्री है टू डिग्री है थ्री डिग्री है फटाफट इधर वाला बता दो मेरे को ये जो थर्ड नंबर है थर्ड नंबर वाला प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी है फटाफट मेरे को बता दो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी है फटाफट बता दे भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी लग रहा है या सेकेंडरी या टर्शरी चलिए तो अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो हैलोजन है वो वन डिग्री कार्बन से अटैच्ड है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्राइमरी रेडिकल होगा है ना बेटा यहाँ पर देखें तो ये टर्सरी रेडिकल है यहाँ पर प्राइमरी और यहां पर सेकेंडरी चलो अब इसके कॉमन नेम की बात कर रहे थे देखो बेटा ISO, इसे हम हम क्या कहेंगे ब्यूटाइल ध्यान से देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सब में पहले क्या लिख दे रहा हूं ब्यूटाइल ब्यूटाइल क्यों लिखते हैं एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्काइल हो जाता है तो मैं हर जगह पहले क्या लगा दे रहा हूं ब्यूटाइल ब्यूटाइल के साथ क्या हो गया ब्रोमाइड यहां पर भी क्या लिख दे रहा हूं ब्यूटाइल और ब्यूटाइल के साथ क्या लिख दिया ब्रोमाइड लेकिन मुझे पता है कि सबके सब ब्यूटाइल सब ब्रोमाइड नहीं हो सकते क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग है स्ट्रक्चर अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग होगी जिस कारण से प्रिफिक्स का जन्म हुआ था था याद आ रहा है क्या आइसोमर के लिए तो आया था बेटा एक ही से एक ही से अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आ जाए तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रिफिक्स यूज किया था और उसी प्रिफिक्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन ये रेडिकल है तो सिर्फ यहां एन आइसोनियो से बात नहीं चलेगी सेकेंडरी और टर्सरी भी आ सकता है चलिए तो यहां देखिए ये ये है है और यहाँ पर किसी भी की ब्रांचिंग नहीं है, तो इसे हम कहेंगे bromide. क्या कहेंगे क्या कुछ को लग रहा होगा सर सड़ा हुई चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे पता है कि कुछ बच्चों को कॉमन नेम में दिक्कत होती है साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आने वाले हैं उसमें सेकेंडरी आएगा टर्शरी आएगा ब्यूटाइल आएगा तो मैं चाहता हूं आप पहले से कंप्लीटली प्रिपेयर रहें ताकि आगे जब मैं पूछू तो एटलीस्ट इसमें तो ना फंसे ठीक चलिए तो यहां अगर देखें तो ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बट ये टू डिग्री रेडिकल है बेटा और टू डिग्री के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं सेकेंडरी प्रेफिक्स को यूज करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया यहां देखो ये यह वन डिग्री तो है लेकिन इसके सेकंड कार्बन पर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और ऐसा अगर कहीं दिखता है सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं आइसो तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और थ्री डिग्री रेडिकल के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा टर्शरी लगाते हैं तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या समझ में आई बात तो सी फोर एच नाइन बी आर के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे स्ट्रक्चरल की बात की है मैंने स्टीरियो की बात नहीं की है क्योंकि फिर उस केस में काइरल सेंटर भी आ सकता है अगर याद हो तो तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर और फोर के बाद जो मैंने कॉमन नेम लिखा है शायद आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा चलो बताओ मेरे को फटाफट क्लियर <laughs> है क्लियर है जल्दी से बताओ यहां पर क्लियर हो चुका है सबको कोई दिक्कत नहीं है हुँ हुँ। अरे बोल तो दो बोल भी दो चलो हाँ, या ना? हाँ, हाँ बेटा अमीना पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होगा टेंशन मत लो लेकिन साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठना सब लोग है ना चलो बहुत अच्छी बात है क्लियर है क्लियर है क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है अस्तित्व बहुत बढ़िया चलिए चलिए देखिए अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल में यहाँ पर अब बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का पार्ट आ गया कुछ बच्चे डरे भी होंगे और कुछ बच्चों को मजा भी आने वाला होगा लग रहा होगा कि क्या सही है सर मतलब अब तो हम रिएक्शन में आ चुके हैं और यहीं पर आपकी भी असली परीक्षा है और मेरी भी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी ही याद हो जाएंगी ध्यान से देखना बेटा है ना तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो बेसिकली ये चार प्रोसेस दे रखे हैं इस चैप्टर में हेलो हेलो एल्केन रिंस में ये चार दे रखे हैं और ये चार के थ्रू क्लास इलेवंथ का भी पार्ट यहीं पर आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का ठीक है हाइड्रोकार्बन का भी बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एल्कोहल चैप्टर भी यहीं पर बहुत सारा पार्ट रिविजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है इसके रिएक्शन में एन एस आर एनएसआर न्यूग्रोफिलिक्स रिएक्शन जब हम उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा चलिए तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एल्कोहल से बनाएंगे

उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किन मतलब हम एल्किन से दोबारा बनाएंगे और यहां पर फिर से एल्किन है तो भाई बात यह है कि सर आपने दो दो बार एल्किन से क्यों बनाया बेटा जो भी हमने पढ़ा है ना एलाइल हेलाइड बेंजाइल हेलाइड याद आ रहा है क्या वो सब के सब हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं विसिनल जेमिनल सब के सब प्रिपेयर करेंगे किसी को छोड़ने वाले है नहीं है ठीक है तो एल्कोहल एल्केन एल्किन और दो तरीके से एल्कीन को बनाएंगे एक का नाम देखो क्या लिखा है मैंने हैलोजिनेशन और एक का नाम क्या लिखा है हाइड्रो और ये है, है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन तो इन सारे टर्म्स को हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं क्या समझ में आई बात <coughs> क्या समझ में आई बात इन सारे टर्म्स को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हैं चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे देखें जरा ध्यान से तो आपको समझ में आने वाला है पहला रिएक्शन और ये आपको दिख रहा होगा किल्कोहल्कोहल है, है तो की रिएक्शन पढ़नी, पढ़नी है तो थोड़ा सा के, में कर लेते है, ना? करना है, के साथ बैठना नहीं है ना एल्कोहल का डिस्कशन करना है तो चलो एल्कोहल के बारे में पहले जान जाते हैं उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा और आप देखोगे खटाखट ये सारी चीजें आपसे बन जाएंगी चलिए तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए अगर मुझे एल्कोहल में एनएसआर करना है समझना बेटा ध्यान से अगर मुझे एल्कोहल में एनएसआर करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएसआर न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब ये हुआ कि मुझे ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है और इसके जगह पर किसी को लेकर आना है देखो मैं चाहता हूं इसे हटा दूं और इसको लेकर आऊं है ना एल्काइल के साथ यहां पर ओएच OH है इसको हटाना है और किसी न्यूक्लोफाइल के साथ मैं चाहता हूं आ जाए वहां पे, तो भाई ऐसा क्या करें तो देखो इट इज अ पार्ट ऑफ एन एस आर

अच्छा बेस मतलब मतलब अच्छा कौन हुआ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे समझ में ही बात तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है अगर ये बाहर जाएंगे तो दोबारा इनकी टेंडेंसी है इस पर अटैक करने की क्या समझ में आई बात और अगर मान लो बाहर गए और ये नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से स्टेबल हो चुके हैं किसी भी तरीके से स्टेबल हो चुके हैं तो सिंपल सी बात है वो अपने बॉन्ड लोन को डोनेट नहीं करना चाहेंगे तो वो बेस अच्छा नहीं होगा वो आसानी से उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए ओए माइनस जो है एक बेस है, ये आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इस जुगाड़ से किसी भी तरीके को किसी भी तरीके से ओएच OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना ही होगा और अगर हम ओएच OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो एल्कोहल से एनएसआर की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं क्या समझ में आई बात जो मैंने बोला में अगर हम ओ को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे एन की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं कि वो एन एन देगा और का मतलब हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये वो वाला बॉन्ड टूटेगा एल्कोहल में ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड टूटेगा चलो बताओ क्या मैंने जो अभी बोला ये आपके दिमाग में छपा क्या फटाफट 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 क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने अल्कोहल के बारे में बताया बोल भी दो बोल भी दो क्या यह समझ में आ चुका है चलिए बहुत अच्छी बात है क्लियर होते जा रही हैं चीजें साक्षी प्रिया अच्छी बात है एच टू है लेकिन सिर्फ वही नहीं है इस बात को समझिए हाँ बहुत अच्छा अभिषेक चलिए चलिए जरा ध्यान से देखिए जो मैं बताने वाला हूं देखो बेटा सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है इसका कि हम इसे H+ प्लस प्रोवाइड करें H+ प्लस का मतलब क्या हुआ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दे ठीक है एसिडिक मीडियम है ना ध्यान से देखिएगा बेटा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दे उससे क्या होगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और अगर कोई लोन पेयर है तो वो बेस के जैसे बिहेव कर सकता है

मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं प्रोटोनेशन बोलते हैं क्योंकि H प्लस के साथ रिएक्शन हुई है अब जो यहाँ पर ये है ये लिविंग ग्रुप बन चुका है अब ये चाहता है कि हम ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं और जब लेके जा सकते हैं तो तुम किसी को बुला सकते हो और लेके जब जाएगा कोई आएगा तो इसके भी दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं एक को बोलेंगे एस और एक को बोलेंगे एस क्या ये बात क्लियर है जल्दी से बताओ अगर के के साथ साथ दिस इस आर आर का मतलब क्या हुआ एलकायल, और एलकायल के साथ, अगर लिविंग ग्रुप है तो इसको किसी न्यूक्लोफाइल से अगर सब्सटीट्यूट करना है तो इसके दो टेक्निक हैं एस एन वन एस एन टू अब कुछ तीसमा खान लोग बैठे रहेंगे बोलेंगे नहीं सर हम तो एस एन आई भी पढ़े हैं हम तो वो पढ़े पढ़ो पढ़ो नीट में है ही नहीं पढ़ो पढ़ के क्या करोगे नीट में और मेंस में कभी भी एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं जो हैं उन्हीं पर बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और आपको बताना होता है जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ये कम से कम पता होनी चाहिए अगर आपको ये नहीं पता है तो जो आपकी एनर्जी है वो गलत जगह लगेगी और अगर गलत जगह लगेगी तो रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएगा तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा और अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो कोई कितना भी मोटिवेट कर ले तुमको कुछ नहीं मिलने वाला क्या समझ में आई बात तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट समझोगे चार क्वेश्चन बनाओगे तो मजा आएगा मजा आएगा तो तुम अगेन दो से तीन घंटा और खुद से पढ़ लोगे क्या समझ में आई बात क्लियर है हम्म क्लियर 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 चलिए तो एक तरीका तो हमने देख लिया दूसरा तरीका है बेटा कि ओज को किसी एक ऐसे किसी भी तरीके से एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दो जिससे वो गुड लिविंग ग्रुप में

अगर तुम्हें अल्कोहल का ये बॉन्ड तोड़ना है तो समझ लेना कि तुम्हारे सामने या तो एसिडिक मीडियम के साथ न्यूक्लो आएगा और या तो इन सब में से कोई होगा तभी जाकर ओएच OH को बाहर निकालना नहीं तो बाहर जाने वाला बाहर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और अगर कभी एग्जाम में आ गया इनके बिना उसको बाहर किया तो समझ लेना तुम गलत बना रहे हो जैसे 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 जैसे, जैसे। जरा ध्यान से देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा जैसे अगर मान लो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा है इस तरीके से लिखा है तो फटाफट बताओ क्या मैंने ये रिएक्शन सही की है या गलत की है बताओ 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 जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या जो मैंने ये किया है वो सही है या गलत है जल्दी से बताओ जो मैंने यहां लिखा है वो सही है या गलत है तुम्हें इतना ही बताना है फटाफट फटाफट बताना है हाँ जल्दी जल्दी अरे बेटा आलोक एस एन वन एस एन टू सब आएगा लेकिन उसके लिए बेस तैयार होना जरूरी है इसलिए दिमाग में ये मत शाप कि सिर्फ़ एस एन वन एस एन टू होती हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं गलत है कि सही है आलोक कुमार का सही जवाब अस्तित्व का भी काफी सही जवाब है ये गलत है वाह 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 एक ही बार में सीख गए तुम लोग गलत क्यों है समझ में आ रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर ओ एच को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ लिया ही नहीं अगर मुझे इसको बाहर करना है तो मुझे इनमें से कुछ दिखना चाहिए तुम्हारे एनसीआर में सिर्फ इतनी ही बातें लिखी हुई है अगर ये है तो ही जा सकता था अदरवाइज ये नहीं जा सकता था क्या समझ में आई बात इसलिए ये जो मैंने लिखा है वो गलत है क्या समझ में आई बात चलो अगर मैंने एनएसएन एन लिखा है तो उसके बारे में तुम्हारे एनसीआर में एक बातें लिखी गई हैं जरा ध्यान से सुन लो तो थोड़ा मजा आ जाए एन ए सी एन के बारे में देखिए तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर है तो हमें पता है कि ये न्यूक्लोफाइल है ये क्या है न्यूक्लोफाइल है बहुत बढ़िया न्यूक्लोफाइल क्या होता है भाई सर वही जो लोन पेयर रखे या नेगेटिव चार्ज रखे या नॉन पोलर पाई पाइबोन्स हो जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके बट इसे यहां पर एन में लिखा हुआ है कि यह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल का मतलब क्या हुआ जिसके पास टू न्यूक्लोफिलिक्स सेंटर है टू न्यूक्लोफिलिक्स सेंटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू न्यूक्लोफिलिक्स सेंटर तो जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो डोनर है वो नाइट्रोजन भी हो सकता है और जो यहाँ डोनर है वो कार्बन भी हो सकता है क्या समझ में आई बात ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से अगर मैं लिख बहुत सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाए बोलेंगे से। और तुमने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा है कैसे, कैसे, कैसे? सर, यहां पे रहता, फिर क्या एन डबल बॉन्डो ना बेटा अब एच को हटा के सोडियम लगा दे एच को हटा दे सोडियम लगा दे लगा दे सोडियम अगर तुमने सोडियम लगाया तो एन ए प्लस यहां पर माइनस यहां पर लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है मुझे बताओ क्या मैं एन टू को एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल कह सकता हूं क्या मैं एन टू को एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल कह सकता हूं क्या मैं एनएनओ टू को एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल कह सकता हूं हम्म हम्म फटाफट बताइए क्या मैं एम्बिडेंट निकलो कह सकता हूँ नहीं बेटा श्वेता जी ये से लिखना नहीं है बिल्कुल कंसनट्रेट करके समझो बहुत अच्छे से समझो है ना बाकी चीज़ें आपको नोट्स मिल जाएगी जैसा कि मैंने बताया कोटा पल्स भाई अन के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा आप वहाँ पे देख सकते हैं नोट्स को ठीक है चलिए बहुत बढ़िया एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल है बेटा हाँ ये एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल है क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लोफिलिक सेंटर एक से ज्यादा है ऑक्सीजन के पास है नाइट्रोजन के पास है और इधर भी ऑक्सीजन है तो एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल क्लियर और एल्कोहल किस तरीके से एनएसआर दे सकता है उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर है तो चलो अब आ जाते हैं इसके प्रीवियस स्लाइड में और लगे हाथ इसको भी निपटाते हैं जरा ध्यान से देखिए एल्कोहल के साथ एस है जेड लिया है और ये रिएक्शन हुई है क्या लगता है आपको क्या लगता है ये सही है अब बोलोगे अक्सर एनसीईआरटी से क्रॉप किया तो सही तो होगा ही सोचो जरा कैसे हुआ होगा रिएक्शन सोचो देखो बेटा HX HCl की जगह कंसीडर करो HX अगर होता तो HX में क्या-क्या होता सुनना ध्यान से ये हो गया HI फिर क्या हो गया HBr फिर क्या हो गया HCl और एक होता HF जो कि रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है जरा इन इन्हीं तीनों की बात करते हैं तो देखिए एच आई में अगर वन एस फाइव पी की बॉन्डिंग होती है क्योंकि आयोडीन फिफ्थ पीरियड का है हाइड्रोजन वन एस तो यहां पर वन एस फाइव पी है यहां पर वन एस फोर पी है और यहां पर वन एस थ्री पी है तो मुझे बताइए प्रोटोनेशन एल्कोहल किस से फास्ट करेगा एच से करेगा एच से करेगा एससीएल से करेगा अब सोचिए और बताइए कि सबसे फास्ट प्रोटोनेशन कौन करेगा एच करेगा एच करेगा एस करेगा अगर मैंने एल्कोहल को सेम रख दिया तो फटाफट बताइए हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 अच्छा अच्छा ऐसा चलिए

क्या लेते हैं एक्सीएल तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और अगर बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग तो एल्कोहल के साथ बहुत आसानी से प्रोटोनेशन नहीं हो पाता है और प्रोटोनेशन नहीं होने के कारण यहां पे हम लोग क्या लेते हैं JNCL2. क्या लेते है? JNCL2, JNCL2 लेते हैं हैं जो कि लुइस एसिड होता है और ये लुइस एसिड एससीएल को आसानी से तोड़ सकता है क्योंकि हमें पता है कि एच के में के के पास लोन पेयर है ये है एसिड है CL इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा लेगा, लेगा और यहाँ पर फाइनली एच प्लस और जेड माइनस हो जाएगा क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको तो यहां पे हम देख सकते हैं कि लुइस एसिड का क्या रोल है क्लियर हो गया बेटा ठीक तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रिएक्शन जो है वो एस एन वन से होगी या एस एन टू से होगी तो जरा ध्यान से देखिए अगर इन जनरल बात करें तो टू डिग्री एंड थ्री डिग्री जो होता है बेटा वो तो एस एन वन से चला जाता है क्योंकि उसमें बनने वाला कार्बोकोटैन स्टेबल होता है एस एन वन एस एन टू आगे आएंगे एल्काहाइड में काफी अच्छे तरीके से लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे और वन डिग्री जो अनब्रांच होते हैं वो जनरली एस एन टू मैकेनिज्म से आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ ओ एच एच प्लस के साथ बाहर गया और लाकर आकर गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक अगर वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल है ध्यान से सुनिएगा वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल है तो बेटा वो एल्कोहल के साथ एस सी एल अगर लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी रिएक्शन नहीं होगी वन डिग्री टू डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट एच के साथ रिएक्शन नहीं करेगा थ्री डिग्री कर लेगा तो अगर हमें वन डिग्री एल्कोहल और टू डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन एच के साथ करानी है तो उसके लिए हमें जेड लेना होगा अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी और इन दोनों को जब मिला दो तो एक रिएजेंट का नाम आता है जिसे हम कहते हैं कहते हैं कुछ तो कहते हैं क्या कहते हैं लुकास रिएजेंट क्या कहते हैं लुकास रिएजेंट लुकास रिएजेंट जो है ये बेटा एस लुकास रिएजेंट जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंगविश करने में काम आ जाता है ठीक है समझ में आई बात ये किस में काम आ जाता है वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री एल्कोहल के आ, एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में काम आ जाता है ठीक है एक भाई साहब पूछ रहे हैं टेमन की पीवा भी कराएंगे क्या बेटा पीवाई तो बहुत कम लिया है लेकिन उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो तो ले रखा है ठीक है चलिए तो पहला आपको समझ में आ गया कि एल्कोहल एच के साथ कैसे रिएक्शन दे रहा है दूसरा हम आते हैं एल्कोहल के साथ एन अगर सिर्फ लेते हैं तो क्या ये प्रोडक्ट बनता जरा ध्यान से सुनो सिर्फ एन लेते हैं तो क्या एच टू एसओ फोर नहीं लेते हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता था तो आपको दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये सर नहीं हो सकता क्योंकि देखो ओ एच इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप और वहां पर उसे गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए कोई चाहिए जो यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या लिया है एच टू एसओ फोर और अगर यहाँ हम एच टू एसओ फोर लेंगे तो ये एच प्लस दे सकता है और इस एच प्लस के साथ ओ OH एच बाहर चला जाएगा और जब बाहर चला जाएगा तो ये न्यूक्लोफिलिक पार्ट जो है वो उस पर जाकर लग जाएगा तो फाइनली आर बी आर बन जाएगा तो यहाँ पर क्लोराइड बना लिया यहाँ एलकाइल ब्रोमाइड बना लिया क्या समझ में आई बात ठीक है नेक्स्ट इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं बेटा बेटा है ना ना अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा, दिख जाए की रिएक्शन अगर आपको दिख जाए तो देखो आपको कैसे लिखना है इसका ट्रिक बता रहा हूं देखो बेटा कुछ ट्रिक देना मेरे को जरूरी है क्योंकि यहां पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है सिर्फ ट्रिक से आपका काम चल जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा PCL5 को लिखने का तरीका आज के बाद अपने दिमाग में ऐसे रख लेना कभी भी PCL5 दिखे आपको क्या करना है सर CL PCL3 CL इसी को मैंने ऐसे लिख दिया ठीक अब जब PCL5 की ध्यान से सुनना अगर तुम PCL5 की किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हो और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कौन सा हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एक सीएल के साथ चला जाएगा ओहो वाह क्या बात है ये देखो तो एस के साथ चला गया क्या बहुत अच्छी बात है चला गया ना बेटा अब जरा ध्यान से देखो अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो वो PCl3 के साथ चला जाएगा तो अगर ये ऑक्सीजन को हम यहां से हटा दें तो ये PCl3 इसको पकड़े तो क्या बन जाएगा POCl3 क्या क्लियर है है अब जो बचा है, उसको जोड़ दो तो R और Cl बचे हैं इन दोनों को जोड़ दो तो क्लोराइड बन जाएगा और ये जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है बेटा काफी अलग अलग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बट अगर आपके एग्जाम में आए तो आप एस एन टू मैकेजम से इसको कंसिडर कर सकते हैं एस एन टू से कंप्लीट होगा समझ में ये बात अभी ये एस एन वन एस एन टू को एक्सप्लेन करेंगे आगे चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यहां पर ROH के साथ एसओसीएल2 दो मैंने छोड़ रखे हैं ये और ये ध्यान से देखिए एसओसीएल2 एसओसीएल2 थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा अगर हम इसे इसे देखें तो बेटा Cl फिर SOCl आज के बाद एसओसीएल2 दिखेगा हम Cl SOCl लिखेंगे क्या लिखेंगे Cl SOCl ठीक है और कुछ नहीं लिखना डायरेक्ट क्या लिखेंगे क्लोरीन उसके बाद SO उसके बाद क्लोरीन ठीक है क्लियर है अब अगर ये तीनों आ जाएंगे तो अगेन इसमें यही जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हो क्या उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या उसके पास है हाँ है तो इस सीएल के साथ गायब कर दो तो एस चला गया ठीक है एस गया बाहर उसके बाद देखो ये जो ऑक्सीजन बचा है ये वाला ऑक्सीजन ये बीच वाले के साथ चला जाएगा तो एसो जब ओ से कंबाइन होगा तो बेटा एसो टू बन जाएगा एसो टू बन के बाहर चला गया ये भी उड़ के चला गया बाहर बचा क्या रिएक्शन में आर सी एल बचा तो बेटा थायोनिल क्लोराइड एसो सीएल टू क्या बोलते हैं क्लोराइड इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो बताया जाता है कि अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है अच्छा कैसे क्योंकि एसो टू जो गया वो भी बाहर ये भी बचा रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या दिख रहा होगा एलकाइल क्लोराइड क्या समझ में आई बात तो एसोसीएल टू इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्रिपेर क्लोराइड क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो एसो टू एस सी एल बन रहे हैं जो जो भी बातें बोल रहा हूँ कंप्लीट एनसीआरटी की बात कर रहा हूँ और कहीं की बातें नहीं कर रहा हूँ इस बात को दिमाग में रख लेना और कहीं की बातें नहीं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है चलिए अब दो बातें बच गई सर पी एक्स थ्री का क्या और सर यहां पर ये रेड फोस्फोरस एक्स टू का क्या देखो पीसीएल फाइव का जो प्रोडक्ट बना है याद रखने का तरीका है।, है तो इसका भी ट्रिक लेकिन वो ट्रिक याद रखने के लिए एक और ट्रिक रखना पड़ेगा इसलिए जो पीसीएल फाइव का प्रोडक्ट बनता है वही पीसीएल थ्री का भी बनता है एल्कोहल में याद रखना है ठीक है पीसीएल फाइव में जो प्रोडक्ट बना सेम पीसीएल थ्री में बनेगा अब बच्चा यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है कि सर ये क्या है बेटा ये देखो क्या हुआ था रिएक्शन के टाइम पे प्रिपेयर किया जा रहा है पी एक्स थ्री विद द हेल्प ऑफ रेड फोस्फोरस एंड एक्स टू हेल्प ऑफ रेड फोस्फोरस एंड एक्स टू तो जरा ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी पी एक्स थ्री ही बनेगा तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है आई बात समझ में क्योंकि अनस्टेबल होता, होता है तो उसको तो हम रखेंगे नहीं उसको हम रिएक्शन के टाइम प्रिपेयर कर लेंगे ठीक है तो क्या अब आप मेरे को बताओ क्या यहां से लेकर यहां तक जो हमने हैलाइड बनाया वो आपके दिमाग में छप गया क्या दिमाग में छपा जल्दी जल्दी बता दो मेरे को फटाफट बता दो फटाफट बताओ क्या दिमाग में गया ये अनुराग कुमार यादव डार्जन रिएक्शन बोलते हैं एनसीआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन हाँ ये सही बात है जब हम एसोसिएटू के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसे डार्जन रिएक्शन बोलते हैं अगर पायरिडिन लेंगे तो एस एन टू मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है चलो फटाफट बताओ ये क्लियर है सबको जल्दी से भाई थोड़ा जल्दी जल्दी, जल्दी बोलोगे थोड़ा जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ेंगे बीच में बोल देना अपने डाउट्स पूछ लेने हैं और कुछ नहीं करना है ठीक है जरा ये लास्ट में जो पॉइंट्स लिखा है इसको पढ़ो ये इधर 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 ये ये फटाफट फटाफट बताइए ये लास्ट पॉइंट पढ़ो और मेरे को एक्सप्लेन करो मैं नहीं बता रहा हूं इसको ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्हारे ये 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 समझ में आए क्या जल्दी से पढ़ो 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 साइड में हट जाता हूं मैं पढ़ो हाँ भाई पढ़ लिया क्या पढ़ लिया पूरे जो है एस एन टू जो है बेटा पीसीएल फाइव है SOCl2 टू जो है एस एन टू तब होगा जब पायरिडिन लेते हैं पीसीएल थ्री भी एस एन टू होगा ये दोनों डिपेंड करेगा कि एल्कोहल कौन सा है अगर वन डिग्री अनब्रांच है तो वहां इसमें डिग्री, डिग्री के इस नहीं पूछा जाएगा ठीक चलिए हाँ ये सबको समझ में आ चुका है चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको बेटा पी एक्स थ्री जो है नावेदीएक्स थ्री जो है पीसीएल से याद रखना है ठीक है चलिए जरा ध्यान से देखिए मेथड्स पढ़ा है

ठीक बढ़िया चलिए बहुत अच्छी बात है ठीक तो आगे बढ़ते हैं बेटा है ना चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होने वाला है बेटा हाँ बेटा विकी लुकास रिएजेंट सही बात है एनहाइड्रोसियल टू प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एससीएल होगा हाँ ठीक है चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जरा ध्यान से देखिएगा एल्केन की रिएक्शन है यहां पर ये एल्केन है ठीक ये एल्केन है एल्केन की रिएक्शन हम x2 के साथ करते हैं और करते हैं तो यहां पर फाइनली अपने को rx plus hx होता है ठीक है ठीक hx होता है इस एक रिएक्शन को पढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा है ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बट नीट में ना बहुत कम बातें दे गए, दे, रखी हैं और उतना ही अपने को पढ़ना है मतलब इस इसपे कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है जरा ध्यान से देखिए ये जो कंप्लीट होता है बेटा इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेटा इस नाम को थोड़ा समझो और अपने दिमाग पर जोर डालो थोड़ा क्या होता है फ्री रेडिकल सिंपल सी बात है इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा एंड इट इज़ रिएक्शन मतलब कोई हटेगा और कोई आएगा यही होने वाला है और ये रिएक्शन में, तो में हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हटाइए किसी और को बुलाइए में हम एफ आर एस आर बोलते हैं तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से ये बातें कंप्लीट होती हैं और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा वो कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होता है चेन इनिशिएशन चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन ठीक है तो मैं चेन प्रोपेगेशन पे थोड़ा बात कर रहा हूं ध्यान से देखिए क्या होता है आरएच जब यहां पर एक्स रेडिकल से टकराता है तो यहां पर ये स्टेप जो होता है यही इसका आरडीएस होता है जरा ध्यान से देखिए कंप्लीट जो आरडीएस है इसी के बेसिस पे सारी रिएक्टिविटी की बातें करते हैं देखो इतने रिएक्शन पढ़ने अपने को मतलब अगर जनरली हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टोटल टेन टू ट्वेल्व टाइप के रिएक्शन हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ उसमें कभी भी रिएक्टिविटी की बात आती है तो उसके जो स्लोएस्ट स्टेप होती है दैट इज आर हम उससे उसको क्लियर करते हैं

सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा कौन सा हैलोजन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा तो देखिए अगर आप एफ रेडिकल रखोगे एक आई रेडिकल रखोगे तो बड़ा साइज उस पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा पहली बात एफ रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अगर ये रिएक्टिव होता है तो रिएक्टिव होने के बाद जो बॉन्ड बनाएगा वो एच एफ बनाएगा वन एस टूपी बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट साइड जो भी चीजें बन रही हैं जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगा इस बात को दिमाग में रखिए रिएक्टेंट साइड वाली जो भी चीजें हैं वो रिएक्टिव नेचर की होनी चाहिए समझ में आई बात तो प्रोडक्ट साइड जो भी बने वो स्टेबल बनना चाहिए तो तो फ्लोरीन में 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 क्या बनेगा HF, क्लोरीन में SEL, ब्रोमीन में HBR और HI. तो अगर मुझे की बात कोई बोले तो मैं बोलूंगा बी आर टू देन आई टू ये बातें हो गई ठीक यहां पर देखो हैलाइड हम बना चुके हैं ठीक है अब दो पहली बात फ्लोरिनेशन इससे नहीं करते क्योंकि फ्लोरिनेशन जब करते हैं तो रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ कंप्लीट होता है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है और आयोडिनेशन जब हम करेंगे तो यहां एच बन जाएगा और एच आई जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो सिंपल सी बात है जो बना उसको रिड्यूस करके वापस इधर धकेल देगा तो आयोडिनेशन भी हम इसे इन जनरल नहीं करते हैं अगर करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्लियर है जनरली हम यहाँ से क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन करते हैं बेटा क्या समझ में आई बात तो एक तो हमने हेलोजन के बेसिस पे समझ लिया दूसरा एल्केन के बेसिस पे समझते हैं अब यहां पर क्या आर एच बोन टूट रहा है आर एच बोन टूट रहा तो आर रेडिकल बन रहा है तो बताओ प्रोडक्ट कब बनेगा जब वो स्टेबल होगा और स्टेबल मुझे अगर कोई तुम, तुम कोई तुमसे पूछे कि थ्री डिग्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टू डिग्री रेडिकल एंड टू डिग्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वन डिग्री रेडिकल अगर हम रेजोनेंस को भी साइड कर दे तो ठीक है तो एल्केन में हाइड्रोजन लेकिन ये जो भी बातें कर रहा हूँ उसमें कहीं भी सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं इस बात को दिमाग में रखिएगा जिन्होंने पहले से कुछ ये बातें सुन रखी है पढ़ रखी है दिमाग से हटा दीजिए उसको ठीक आप समझ लीजिए एल्केन में थ्री डिग्री हाइड्रोजन पहले हेलोजन में F2 पहले करेगा और F2I2 जनरली इसे नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं वो सारी बातें एक्सप्लेन कर दी है मैंने तो हम एल्केन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं अल्कोहल से बना ही लिया था एल्केन से भी बना सकते हैं क्या एल्केन वाला पार्ट क्लियर बताओ क्या एल्केन का पार्ट क्लियर आज सिर्फ हेलोएल्केन हेलोरीन से रिमर्टिमन उसकी बातें बाद में होंगी बताओ बताओ जल्दी से जल्दी से बता दो अभिषेक बहुत बढ़िया हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या क्लियर है यहाँ तक हम्म 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 फटाफट बोल दो नजरा बहुत अच्छा भाई पूरा घर पे जाके दोबारा पढ़ लेना क्लियर है सबको और एक बार मैसेज करने में कहा जाता है ये मैसेज देख को भी लगता है ना कि हाँ तो पढ़ रहा है बोल दो ना जरा जल्दी जल्दी हाँ चलो बहुत अच्छी बात है चलिए तो हम लोग एल्केन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें हाँ नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किन है ना हाइड्रोहैलोजनेशन चलिए देखिए हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है ध्यान से समझिए अगर हम हाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करें तो और यहां पर हम एच बी आर ले तो यहां पर जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है लेकिन अगर वही एल्कीन में हम एच बी आर के साथ एच बी आर के साथ यहाँ पर पैरऑक्साइड ले लेते हैं बेटा तो वो जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किससे कंप्लीट होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन सिर्फ HBr देते हैं HF HCl एंड HI नहीं देते हैं ठीक तो यहाँ पर HBr यहाँ पर आ, FRAR अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H+ यहां पे Br- है तो यहाँ पर ये यह जब रिएक्शन होगा तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो H+ है और H+ जब रिएक्शन करता है तो पाइबोन टूट जाएगा बेटा कहीं भी तोड़ दो अभी लेकिन हमने हमें क्या करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के कार्बोटाइन वही बनाना है जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया ये कार्बोटाइन बना दिया और उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर देगा और न्यूक्लोफाइल जब अटैक करेगा तो वो सेन और एंटी दोनों कर सकता है मतलब क्योंकि कार्बोटाइन है तो sp2 होता है बेटा sp2 इज अ प्लेनर और अगर कोई प्लेनर है तो न्यूक्लोफाइल एव एंड बिलो दोनों साइड से अटैक कर सकता है और इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए ये ऊपर नीचे लिखने का मतलब कभी भी एंटी और सिन नहीं होता क्योंकि उसे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर से इंडिकेट करते हैं दैट इज वेज डैश याद आ रहा है क्या क्या वेजडेस वाली चीजें याद है हम उससे इंडिकेट करते हैं ठीक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है कार्बोकोटाइन बनता है इस केस में क्लासिकल कार्बोक्टाइन बना है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर इसमें पॉसिबल हो देन न्यूक्लोफाइल अटैक करके रिएक्शन कंप्लीट होती है अगर हम बात करें परोक्साइड लेते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है ध्यान से सुनिएगा फ्री ऑब्जर्वेशन चेन 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 और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक जो होते, है, आ, वो रेडिकल होते हैं जैसे इसमें क्या हुआ एच प्लस ये जाकर पाइबोन पे जुड़ा कार्बोटाइन बनाया कार्बोटाइन कहां बनाएंगे जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो सिमिलर वे में जो सबसे पहला अटैक होता है एल्किन पर इस पर बी आर रेडिकल होता है ब्रोमीन रेडिकल अब ये जब अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है करेगा करेगा यहां अटैक तो ये दोनों टूट जाएंगे अगर ब्रोमीन वन पर गया तो रेडिकल टू पे बनेगा अगर ब्रोमीन टू पर गया तो रेडिकल वन पे बना बनेगा तो रेडिकल वही बनाएंगे जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और यहां पर हम इसको इस तरीके से पाई पाईबोन को क्या करेंगे तोड़ देंगे यहां पे आ गया बी आर और यहां आ गया रेडिकल क्या समझ में आई बात अब कोई बच्चा पूछा सर यहीं पर क्यों बनाया अब बना दिया यहाँ पे क्योंकि अब कोई मैंने डिसाइड नहीं किया कि यहां पर क्या है क्या नहीं है ठीक तो यहाँ पर फाइनली एच जाके लगा दो और एच जब लगाओगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से चीजें हो जाएंगी तो दो मैकेनिज्म है तो हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन किसमें किया हमने एल्कीन में इसके दो मैकेनिज्म है और दोनों मैकेनिज्म का फायदा बहुत ही शानदार है जरा ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा जरा मुझे कोई बताए कि जो पहला मैं रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं उसमें जो एल्काइल हेलाइट बनेगा वो वन डिग्री बनेगा या टू डिग्री और दूसरा जो मैं लिख रहा हूं एच के साथ यहां पर मान लो मैंने कोई पैरऑक्साइड लिख दिया तो इसमें मुझे बताओ जो एल्काइल हेलाइट जो बनेगा वो वन डिग्री बनेगा या टू डिग्री बनेगा फटाफट बता दो मेरे को यहाँ पे जल्दी से यहां पर वन डिग्री रेडिकल बनेगा वन डिग्री अल्काइल अलकाइलैट बनेगा या टू डिग्री वन डिग्री और टू डिग्री अल्काइल अल्काइट पहले वाले में जल्दी से बता जल्दी से बता और राजीव बताना है पहले वाले में वन डिग्री रेडिकल बनेगा या टू डिग्री रेडिकल बनेगा वन डिग्री रेडिकल बनेगा या टू डिग्री रेडिकल बनेगा हम्म आंसर तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है भूमि का आंसर है पहले में वन डिग्री अच्छा टू में फर्स्ट अच्छा ऐसा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया गलत करो ऐसे ही मुक्का खाओगे पुरो नहीं बेटा ऐसे नहीं गलत है साक्षी प्रिया टू देखो देखो सिंपल सी बात है इसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हमें पता है कि इसमें पहला अटैकिंग स्पीशीज जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ये जो बॉन्ड यहां तोड़ेंगे ऐसा क्यों तोड़ा बता सकता है कोई बता सकता है घर पे बैठे बैठे बोलो क्यों तोड़ रहे हैं क्योंकि सर यहां जब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा देखो ये एरो यहां जाने का मतलब क्या इस पर नेगेटिव तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और कार्बोटेन यहां बनेगा और ये कार्बोटेन स्टेबल है तो बी आर यहां जाएगा तो टू डिग्री रेडिकल बनेगा वन डिग्री नहीं बनेगा इसमें जो अटैकिंग स्पीशीज होता है सबसे पहला वो BR radical होता है और बी आर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर CH सी एच टू है और यहां पर अगर CH3 है तो मैं क्या सोचता हूं? कि अगर बी आर वन पे चला जाता तो टू पर रेडिकल बन जाता तो तो पर बन अगर BR वन पे जाएगा तो सिंपल सी बात है, वन डिग्री रेडिकल का वन डिग्री है बनेगा। क्या समझ में आई बात ये बेटा कन्वर्जन में बहुत काम आएगा बहुत ज्यादा काम आने वाला है कन्वर्जन में बताओ समझ में आया बताओ समझ में आ गया क्या जल्दी बोलो क्लियर हो गया सबको हम्म चलो बहुत अच्छी बात है सबको समझ में आ गया है ना आगे बढ़ते हैं इसको चलिए नेक्स्ट एल्किन से हम प्रिपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट एल्किन से करने वाले हैं देखो एल्किन में अभी हमने ई ER पढ़ा था अब समझो एल्किन में इससे पहले जो था बेटा ध्यान से देखना ध्यान से देखना इससे पहले जो था उसमें लिखा था हाइड्रोहेलोजिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन सर हाइड्रोजन हेलोजन को एल्किन में जोड़ रहे हैं सही बात है नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज हेलोजीनेशन uh, मतलब सिर्फ हम X2 को जोड़ रहे हैं ना X2 को जोड़ रहे हैं तो जरा देखो बेटा जब हम एल्कीन को ध्यान से देखना को जब हम यहाँ पर टू के साथ जोड़ दें तो इसमें भी दो कंडीशन होती हैं एक सॉल्वेंट uh, होता है नॉन पोलर और एक पोलर सॉल्वेंट तो अभी फिलहाल हम CCl4 फोर यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट तो जब हम यहां से रिएक्शन करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में अगर मुझे एक तरीके से जुगाड़ में याद रखना है इसको किसमें याद रखना है जुगाड़ के फॉर्म में हालांकि एक्सप्लेनेशन क्लास में किया था बट अपने पास उतना टाइम नहीं है तो मैंने बताया था इसको तोड़ के याद रख सकते हो सीएल प्लस माइनस और यहां पे आता है लोन पेयर और ये लोन पेयर डायरेक्टली इसे कंबाइन होके फाइनली जो है इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनाता है क्या बनाता है नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इसमें Cl2 ही होता है Br2 ही 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 होता 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 है 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 I2 F2 कहीं भी Cl पस नहीं होता है बस ये जुगाड़ है आपके लिए कि किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं तो जब यही ऐसा बन गया तो नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन जाएगा और इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं करेगा अब बच्चा पूछता है सर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करेगा अबे रीअरेंजमेंट करेगा क्यों क्यों करेगा अच्छा तुमसे अगर मैं पूछूं कि तुम खाना क्यों खाते हो तो तुम क्या बोलोगे भूख लगती है इसलिए सिमिलर वे में क्लासिकल कार्बोटैन में कार्बोटैन अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है और इस केस में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर सबके ऑक्टेड कंप्लीट है तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सी एल माइनस एंटी पोजिशन से अटैक करता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर जाकर जब अटैक करेगा तो ये दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएंगे तो यहां पर सी एच टू यहां पर सी एल तो यहां पर एंटी एडिशन होता है अगेन ये दोनों को ऐसे लिखने का मतलब नहीं है कि वो एंटी पोजिशन में है एंटी पोजिशन उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से इंडिकेट करते हैं बेटा देखो ये जो पार्ट है ना एनसीआरटी क्लास इलेवन पार्ट टू में सिर्फ ये लिखा है कि है, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जब हम हेलोजीनेशन करते हैं और इसे हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे है ना तो मुझे नहीं लगता कि इस पर बेस्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो बस इतना पूछ लेगा कि इंटरमीडिएट बता दो तो आपको और उसका प्रोडक्ट पूछ लेगा और कुछ नहीं ऐसे रिएक्शन में एक ही काम है जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर दिखे जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर दिखे पाई बॉन्ड तोड़िए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल जोड़िए आंसर आ गया आई बात समझ में चलिए तो एक इसे हमने कहा हेलोजिनेशन वाई क्योंकि हमने यहां पर दो हेलोजन जोड़ रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जेमिनल है कि विसिनल तो इसका आंसर दे दो जल्दी से इसका आंसर दे दो जल्दी से इसका आंसर दे दो कि वो जेमिनल है या विसिनल है इसका आंसर जरा दे दो तो मजा आ जाए जल्दी से अभी तक नहीं आया आंसर अच्छा मैंने नहीं देखा क्या जल्दी से देखो क्या लगता है जेमिनल है कि विसिनल है पहले पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ हम्म हम्म नल है वेरी गुड एन डी पटेल का एक डाउट है कि सर क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन में डिफरेंस क्या है देखो बेटा क्लासिकल कार्बोटाइन में अगर आप देखेंगे इससे पहले ये नॉन क्लासिकल कार्बोक्टाइन में साइकिल आयन इंटरमीडिएट बनता है क्योंकि जब क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है ना तो वो जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा होता है उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और थ्री आयन इंटरमीडिएट स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है ठीक चलिए जेमिनल विनल लगता है बच्चों को याद हो चुका है चलिए नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बच्चा भूल जाता है जरा ध्यान से देखिएगा Br2 के साथ H न्यू है और या तो एनबीएस ले लो एनबीएस काफी फेमस रिएजेंट है allylic substitution के लिए What is the meaning of allylic substitution? Substitution. शायद मैं इस का जो टर्म है वो यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये जो टर्म्स हैं वो आपके बार बार इस लेक्चर में आएंगे तो जरा मुझे बताइए कि एलाइलिक सब्सटीट्यूशन समझ में आ रहा है थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि सी डबल बॉन्ड सी की जो नेक्स्ट कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हटा के मैं कुछ लगाने वाला हूँ सब्सटीट्यूट करने वाला तो देखो एलाइलिक सब्सटीट्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे बी टू एच न्यू लिया अब बात यह आती है कि सर कैसे याद रखें कैसे याद रखें क्योंकि सर एल्किन जो है वो दम भर एकदम बढ़िया से ई रिएक्शन देता है सर इतना फिर वो एफ भी देता है और अभी आप बोल रहे हो कि ये तो एफ भी देता है ये कैसे याद रखें देखिए समझिए थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं कैसे याद रखता हूं कि सर देखो एफ आर है तो एक ही है सर HBR के साथ और ये रियर बच्चों को याद हो जाता है ठीक है अब बात आती है EAR और FRASR में कैसे करें भाई साहब यहां पे बोल रहा है कि हम फ्री रेडिकल वाले हैं तो इसको कंडीशन भी तो वैसे ही देनी पड़ेगी ना ये एच न्यू क्या बोलेगा ये एच न्यू क्या बोलेगा हम तो फ्री रेडिकल वाले हैं और फ्री रेडिकल वाले हैं तो या तो हम ए आर वाले होंगे या तो एस आर वाले होंगे मतलब या तो एफ आर आर या तो एफ आर एस आर अब मुझे बता एफ आर एर होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि है कि अपने सिलेबस में बचा क्या और एलकीन तभी देगा ऑफ समझो इस बात को ध्यान समझो एल्कीन का एफ आर एस आर का मतलब क्या हुआ एल्किन में पाई बॉन्ड पर अटैक नहीं करना है पाइबुन वही से छोड़ दो भाई पाई बॉन्ड पर अटैक किया तो एडिशन हो गया ना एल्किन के पाई अटैक नहीं करना सब्सटीट्यूशन और एफ आर एस आर में क्या बताया था एच सी एच बॉन्ड को हटाओ सी एच तुम मुझे बताओ एल्किन में यहां पर तीन कार्बन है तुम मुझे बताओ किस हाइड्रोजन को हटाने पर रेडिकल स्टेबल होगा तुम मुझे बताओ इसमें से किस हाइड्रोजन को हटाने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा किस हाइड्रोजन को हटाने के बाद किस हाइड्रोजन को हटाने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा किस हाइड्रोजन को हटाने के बाद किस हाइड्रोजन को हटाने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा आंसर आ रहा है थ्री क्या बात है यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्योंकि हमें पता है कि इस हाइड्रोजन को जब हम हटाएंगे तो यहां रेडिकल आएगा और यहाँ जो रेडिकल आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा तो बेटा एल्किन को अगर एफ आर एस आर देना है एल्किन को अगर एफ आर एस आर देना है तो उसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन होना ही चाहिए अगर नहीं है तो वो एफ आर एस आर नहीं देगा इस बात को ध्यान रखेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन हटाइए रेडिकल बनाइए और जो भी है उसे लगाइए अगर एन बी एस है तो एन ब्रोमो होता है जहाँ पर हम ब्रोमिनेशन करते हैं और क्लोरीनेशन के लिए एनसीएस यूज करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सी एच टू ब्रोमिन सी डबल बॉन्ड सी टू चलो अब जरा समझो मुद्दे की बात समझो इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन कह सकते हैं या ब्रोमीन लेते तो ब्रोमिनेशन कह सकते हैं ठीक क्या इस रिएक्शन को भी ब्रोमिनेशन कह सकते हैं बताओ कह सकते हैं कि नहीं हाँ क्योंकि इसमें भी तो ब्रोमिन लगा है लेकिन ये EAR से नहीं हुआ है सर इसके पाइबोन नहीं टूटे हैं, ये है। है है तो पार्ट भी कवर कर लिया अब बेटा एनसीआरटी के क्वेश्चन आने वाले हैं अब एनसीआर के क्या आने वाले हैं क्वेश्चन तो जल्दी से मुझे बताओ क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एलकाइल हैलाइड का क्लियर हो गया पहले कैसे बनाएंगे एल्कोहल से फिर बनाएंगे एल्केन से, फिर बनाएंगे एल्कीन से तीन मेथड है फिर से एल्कोहल ओ हटाइए लगाइए उसके बाद दूसरा क्या बताया एल्केन, एफ आर एस एल्किन दो तरीका तो तो चलिए मुझे बताइए फटाफट क्या आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ज्ञान मिल चुका है मिस माही अभिषेक एंडी पटेल अस्तित्व शुभम फटाफट बता दे भाई अभिषेक क्लियर बढ़िया चलिए चलिए अच्छी बात है चलिए तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीआरटी में है बट ध्यान रहे मैं यहाँ पर नीट की तैयारी करवा रहा हूं ये नीट का एग्जाम है नहीं कि मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा उसमें से एक सही होगा तो कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे भी मिलेंगे चार ऑप्शन वाले भी मिलेंगे कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे कि छह सात ऑप्शन हो और कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन ही ना हो ताकि आपको ये पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ना यहां पर अगर, अगर अपन बैठे हैं नेटफ्लिक्स में तो इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप जाकर जो नीट का एग्जाम हो रहा है नेक्स्ट मंथ में उसमें जाकर फोड़ दें इसलिए कर रहे हैं अपन ठीक है ऐसा नहीं कि ऑप्शन टिक करके अपन करेंगे वो काम चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पे वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ के आई ठीक जब ऐसी बातें होती हैं जब भी ऐसी बातें होती हैं लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं लिखो

तो सर यहाँ से इसको हटा सकते हैं क्योंकि देखो सर यहाँ पर एच टू से क्या मिल जाएगा एच प्लस मिल जाएगा इसने इसको देखा तो गुड लिविंग रूम बन H2O जाएगा एच टू ओ जाएगा आई माइनस आएगा सब मज़ेदार चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शानदार चल रही थी तब तक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बोला भाई हम भी आ जाते हैं केमिस्ट्री में

तो ये बनेगा कैसे क्या समझ में आई बात क्लियर हो गया बेटा इसलिए इससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते होंगे H2, H2SO4 के अलावा जो भी हैं H3PO4 ले सकते हैं अपन वो लेकर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं H2SO4 नहीं लेते हैं क्योंकि ये आपस में ही गेम खेलने लगते हैं बोलते हैं नहीं अल्कोहल छोड़ो आप, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं अगर आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो भाई वो वैसे का वैसे ही रहेगा ओ वह एच वहां से जाएगा ही नहीं रिएक्शन होगी ही नहीं क्या समझ में आई बात बेटा ये ये क्लियर है जो मैंने बताया अभी जल्दी से बताऊं यहां तक क्लियर है बेटा विकी, आ, हैलोजन एक्सचेंज बताऊंगा बेटा एन एस आर पढ़ाने के बाद क्योंकि वो उसी का पार्ट है ना बेटा तो एनसीईआरटी में जो सारी चीजें दी हैं उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन की है जिससे मैं आपको काफी आसानी से समझाऊं और आप काफी अच्छे से उसको समझ भी लो है ना क्लियर है

ठीक चलिए देखिए सी फाइव एच टूल्वे अगेन मैं बोलता हूं कि आप सबसे पहले डिग्री ऑफ अन्सेचुरेशन निकालो क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला है ताकि हमें पता चल जाए तो पांच कार्बन है और पांच कार्बन के लिए मैक्सिमम बारह हाइड्रोजन हो सकते हैं बारह है तो डिग्री ऑफ अन्सेचुरेशन जीरो है और इसका मतलब यही है कि नो पाई नो रिंग मतलब ये क्या हो गया ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है एल्केन कुछ बच्चे इसको पेंटेन बोलने लगते हैं मुक्का खाएंगे ध्यान रखना ये मोलिकुलर फॉर्मूला है

फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन समझ में आ रहा है एल्केन क्लोरीनेशन का मतलब एल्केन क्लोरीनेशन एल्केन क्या देता है एफआरएस सर अच्छा 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 एफआरएस सर एफआरएस सर एल्केन एफआरएस सर में क्या करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब सर देखो सब्स्टिट्यूशन है एक हटाएगा एक लगाएगा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होती है तो बोल रहा है कि एक हटाना हाइड्रोजन को हटाना है और एक क्लोरीन को लगाना है ठीक है समझ में आई बात तो वन उसी की बातें हो रही हैं एक हाइड्रोजन हटाइए एक क्लोरीन लगाइए ठीक है लगा लेंगे तो इसमें बोल रहा है कौन ऐसा है जो सिंगल मोनोक्लोराइड मोनोक्लोराइड देगा का मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन अगर मान लो डाई अगर मान लो यहां पे डाई रहता तो दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लेकिन यहां पे बोल रहा है मोनोक्लोराइड तो हो इन तीनों में से कौन है जो मोनोक्लोराइड मतलब एक हाइड्रोजन

थ्री टाइप्स के एल्काइल हलाइड बन सकते हैं ठीक है एक पहले वाले हाइड्रोजन को हटा के एक दूसरे वाले को और एक तीसरे वाले को तो भाई सिंगल मोनोक्लोराइड बोला था नहीं नहीं, नहीं, ये तो नहीं हो सकता ठीक आइसोपेन्टेन क्या कहता है कि सर यहां से हटाओ या यहां से हटाओ बात तो एक ही है दोनों का बात देखिए यहां से हटाओ या यहां से हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, है ना तो दोनों सेमे दूसरा हम यहां से कर सकते हैं तीसरा चौथा लेकिन ये दोनों इस बार अलग हो गए क्यों क्योंकि मेन चेन यही होगा नंबरिंग इधर से ही होगी क्योंकि ब्रांचिंग है सब्स्टिट्यूंट जो आ चुका है सब्सटीट्यूंट के आने से नंबरिंग हम उस साइड से ही करते हैं ठीक तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके यहां पर क्या हो जाएंगे फोर टाइप्स के फोर टाइप्स के एल्काइल हिलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन यहां पर मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूं अगर स्टीरियो की बात होगी तो क्लोरीन लगाने के बाद काइरल सेंटर भी चेक करना होगा और किसी काइरल सेंटर के दो फॉर्म हो सकते हैं आर कन्फिग्रेशन और एस कॉन्फिगरेशन ठीक नियोपेंटेन की बात करें तो ये बोलता मेन चेन इधर से भी वही है इधर से भी वही है इधर से भी मतलब मेन चेन कहीं से भी सेलेक्ट कर लो बेटा तीन ही कार्बन दिखने वाले हैं तो यहाँ पे हटाओ यहाँ हटाओ यहाँ हटाओ यहां हटाओ इसमें सिर्फ वन टाइप के ही एल्काइल हलाइड आपको मिलने वाले हैं क्या अब मुझे बताओ क्या इन तीनों के आंसर को आप लिख सकते हो तो पहले वाले का बताओ क्या हो जाएगा नाम ये हो जाएगा नियोपेंटिन नियो ही एक ऐसा आइसोमर है जिसके एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है क्लियर है बेटा ठीक है अब आते हैं थ्री आइसोमेरिक थ्री आइसोमेरिक में कौन आ जाएगा ये एन पेंटेन और फोर वाले में कौन आ जाएंगे आइसोपेंटिन बताइए क्या यहां तक क्लियर हो चुका है आपका हाँ भाई क्या बात है मैक्सिम लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया था नहीं अभिषेक अभी साथ में एनसीईआरटी रीडिंग मत करो अभी पढ़ लो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है वही टाइम बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर नेटफ्लिक्स लेकर आए हैं ठीक है कि आपका कम टाइम लगे और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो जाए क्या मैं मान सकता हूँ ये क्लियर हो गया है हाँ बेटा मल्टीपल हेलोजिनेशन हो जाएगा कैसे बेटा मोनो के बजाय मल्टीपल तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन में देखो ना मोनो की बात की है अपन यहां से हटा के ये दो जगह से हाइड्रोजन हटा सकते सिर्फ मोनोक्लोरो की बात हो रही है चलिए अच्छी बात है <coughs> चलिए नेक्स्ट में आते हैं हाँ चलो अब आप, आपको मैं यहां पर पांच सेकंड दे रहा हूं पांच से दस सेकंड दे रहा हूँ फटाफट जल्दी से खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लो दस सेकेंड है आपके पास अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेट करके आपसे पूछा हुआ है जल्दी से जल्दी से चलिए जल्दी से फटाफट पट, ट्राई करो इसको सब लोग सब लोग ट्राई करो यकीन करो ये लेक्चर आज का देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि तुम हेलोल किन काफी अच्छा हद तक क्लियर कर चुके हो ठीक है और जैसा कि मैंने बताया कि ये नोट्स आपको सब के सब पूरा जो एन सी वाइज मैंने बनाया है वो कोटा पल्स भाई अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो कि आपको देखो वहाँ पे चैट में भी दिख रहा है है ना तो उस पर काम आपका आसन है और काफी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे इस पे चलिए ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स मोनो हेलो द मोनो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहेलो एक एक ही हेलोजन लगना है वहां पे इसकी बात कर रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एल्कोहल है और एल्कोहल के साथ एसोसीएल टू रिएक्शन कर रहा है तो मुझे याद आएगा कि सर एसोसीएल टू को लिखने का टेक्निक आपने ये सिखाया था और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को हम सी के साथ हटा सकते हैं और यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को हटा के हम ऐसो SO लगा सकते हैं और लगाने के बाद यहाँ पर सीएल अगर लगा दें तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सी आ जाएगा ठीक मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कितने बच्चों के तीनों सही होने वाले हैं या तीनों बना लिए हैं अब आते हैं यहाँ पर देखो यहां से देखो Br2 है समझना अच्छे से हीट है या यूवी लाइट लिखा हुआ है तो मैं कैसे सोचता हूं हीट और यूवी लाइट जो है ना वो फ्री रेडिकल रिएक्शन को मतलब पुश करता है कि भाई ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ने वाला है ठीक अब फ्री रेडिकल में मुझे पता है या तो ए आर होगा या तो एस आर होगा या तो फ्री रेडिकल एडिशन अगर एडिशन हुआ तो पाई पाइबोन टूटेगा अगर सब्सटीट्यूशन हुआ तो किसी हाइड्रोजन को हटाएंगे रेडिकल बनाएंगे यही है फंडा अपने पास ठीक अब मैं क्या देखता हूं कि भाई बेंजीन है बेंजीन के पाई बोन तो टूटेंगे नहीं आसानी से क्योंकि हमें पता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है और वो इन जनरल जो है वो अपने पाई बोन को तोड़ के रिएक्शन नहीं देता है तो अब बात करते हैं भाई सर एडिशन तो देगा नहीं है तो सब्सिट्यूशन की बात करनी पड़ेगी तो सब्सटीट्यूशन में मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा अब सोचो ध्यान से समझना एक यहां वाला हाइड्रोजन है एक यहां वाला हाइड्रोजन है और एक जो है बेटा बेटा के कार्बन पे भी हाइड्रोजन है है देखो हर जगह जगह एक 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 चार ना तो अब आपको सोचना है किस हाइड्रोजन को हटा के हम रेडिकल बनाए जो ज्यादा स्टेबल हो ये सोचना होगा जरा मुझे बताओ कि किस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के रेडिकल बनाओगे अगर हम सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएं और रेडिकल बनाए

ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये यह रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये एल्कोहल नहीं है ये फिनॉल है और फिनॉल जो है आसानी से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब ओएच OH को हटा कर किसी हेलोजन को लगाने का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में है एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन में है और डीलोकलाइजेशन के कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन में जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो आसानी से टूटेगा नहीं और आसानी से टूटेगा नहीं तो वो गुड लिविंग रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो अब बताओ मेरे को जल्दी से कितने बच्चों का ये तीनों का तीनों सही हुआ था जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सही है क्या समझ में आ गया आ गया समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है अच्छी बात है एंडी पटेल का सारे सही है क्या बात है क्या बात है मैं तीनों सही है गजब अभिषेक बेटा एक्सपीरियंट्स जो भी हैं आप ये सब बातें अभी नहीं करें है ना अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनसे बातें करूँगा अभी ये सब बातें पंद्रह से चालू होने वाले बैच जो भी पढ़ेंगे सारे के सारे शानदार हैं यहाँ पर टीम अपनी अन अकेडमी की तो टेंशन मत लो है ना चलो ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जरा बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में कुछ और रिएक्शन है मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर एक तो एल्कीन दिख रहा है एलकिन दिमाग में आते ही एलकिन दिमाग में आते ही क्या आपके पास ई ए आर एफ़ आर ए आर और एफ़ आर एस आर छप रहा है क्या क्या छप रहा है क्या और बेंजीन को देख के क्या आपके दिमाग में ई एस आर छप रहा है क्या दोनों चीज़ें छपनी चाहिए बट हमें पता है कि एल्किन और फिनाइल दोनों अगर साथ में है तो इस केस में एल्किन की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक होता है तो रिएक्शन इन्हीं दोनों डबल बॉन्ड में होने वाला है वन और टू में और एच बी आर कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है और ये रिएक्शन कौन सी होगी ई ए आर एफ आर ए आर और एफ आर एस आर नहीं होगी मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पाई बॉन्ड तोड़ेगा जुड़ेगा और कार्बोटेन बनाएगा कार्बोटैन वहीं बनाएगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मैं तो आसानी से सोच लेता हूं भाई यहां बनने वाला कार्बोटेन मैं इस तरह कर रहा होगा मतलब ये पाई बॉन्ड को यहां तोड़ दूंगा ताकि इलेक्ट्रोफाइल यहां चला जाए कार्बोटैन यहां बना जाए बन जाए तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं मुझे बताओ क्या ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा बोलो 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 क्या कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा हाँ भाई बन जाएगा ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब जरा मेरे को पांचवा पांचवा जो रिएक्शन है अगर तुमने समझ लिया तो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं समझ लो कि तुम्हारा उसमें जो पाप तुमने किया होगा वो एकदम धुल जाएगा इससे पहले अगर किसी ने गलत किया है तो चलो 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखो जरा जल्दी से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये है एल्कीन ये है एल्कीन एल्कीन देख के दिमाग में फिर से छपेगा बी आर टू बोल रहा है कि हम मतलब ब्रोमिनेशन कर सकते हैं और ये हीट क्या बोलता है कि सर देखो हम तो फ्री रेडिकल वाले हैं अगर फ्री रेडिकल वाले हैं या तो हम ए आर करेंगे या तो एस आर करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे में जो सिलेबस है नीट में ए आर के लिए एच बी आर के सत्परों चाहिए इसको हटाओ इसको लगाओ और इसको लगाओगे तो एफ आर एस आर का मतलब क्या हुआ हटाना है लगाना है किस हाइड्रोजन को हटाना है उसी हाइड्रोजन को हटाना है सर जहां हटाने के बाद बनने वाला रेडिकल स्टेबल बनेगा तो मुझे बताओ क्या एलाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो एलाइलिक हाइड्रोजन यहां पर देखो तो आपको थर्ड पोजीशन पे भी दिखेगी और सिक्स पे भी दिखेगी क्योंकि ये हाइड्रोजन जब हटेगा ना बेटा तो रेडिकल स्टेबल या ये दोनों बात एक ही है तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा और मेन्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है क्या समझ में आई बात क्लियर हो रही है बातें ठीक है ठीक है जैसे जैसे स्लाइड कंप्लीट हो जाता है आप ज़रूर मैसेज अगर आप फ्री हैं तो ज़रूर उसमें कर दें कि सर ऑल क्लियर है ताकि मैं उसमें आगे बढ़ जाऊं अगर कोई दिक्कत है तो मैं वो मैसेज में देख लूंगा बाकी कोई बकवास अगर करेगा तो मैसेज में नहीं देखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना आपका ही टाइम वेस्ट हो क्योंकि आप ही का टाइम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं

वन पे या टू पे वन पे टू पे वन पे टू पे अच्छा ये विक्ट्री सेलिब्रेशन हो गया तो है चलो तो यहाँ पर दिखेगा टू पे बनने वाला रेडिकल स्टेबल है मतलब बी आर को आप यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए तो बी आर यहाँ जाएगा रेडिकल यहाँ मतलब एच यहाँ लग जाएगा समझ में आ गई बात बेटा तो चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कुछ थे अब एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फटाफट पढ़ेंगे पांच सेकेंड टाइम लेंगे जो मैं छोड़ रहा हूं और अपने से सोच लेंगे पहले है ना जल्दी से सोच लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे <coughs> अच्छी बात है हाइपर कंजुगेशन टू पे ज्यादा बनेगा ना बेटा टू पे रेडिकल बनने वाला कहा गया यहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनेगा तीन दो पांच अल्फा हाइड्रोजन चलिए इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट देखिए चलिए जल्दी से देख लीजिए दिमाग लगा लीजिए है ना आपको आंसर इनमें से देना है एक इनमें से एक आंसर देना है आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को इस पर नहीं व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगना गधा ठीक है ऐसा लगता है मानो अस्तित्व का कहना है कि थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत जवाब बिल्कुल गलत जवाब आंसर कौन सा होगा <laughs> क्या बात है विकी का भी थर्ड आ गया सही है देखो जैसा कि हमें पता है एल्कोहल के साथ एस सी एल और एनहाइड्रजन सेंटू है वही लुकास रिएजेंट है और मैंने बताया था कि वन डिग्री एल्कोहल और टू डिग्री एल्कोहल के साथ यहाँ पर लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ एच से रिएक्शन नहीं होता है थ्री डिग्री एल्कोहल जो है थ्री डिग्री एल्कोहल जो है उसके साथ आप डायरेक्ट एस का रिएक्शन भी कर सकते हैं उसमें लुइस एसिड नहीं लेंगे तो भी चलेगा तो इन सब बातों को बार बार रिपीट करने से फायदा है एक तो तुम सुन रहे हो अभी पहले से कभी ना कभी किसी भी टीचर से कर गया तो मेरे से पढ़ोगे तो मेरे से सुनोगे किसी ना किसी टीचर से पढ़ोगे तो ये चीजें ऐसे ज्यादा जल्दी याद हो जाती है है ना उसके बाद एक बार स्लाइड भी देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वन डिग्री एल्कोहल है तो इसके साथ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि जेडेंसियल टू है दिस इज ऑल्सो वन डिग्री बट यहाँ पर नहीं होगा रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर हमें जेडेंसियल टू चाहिए अगर जेडेंसील्टू रहता तो ही जाकर रिएक्शन आगे बढ़ती और ये है थ्री डिग्री तो ये भी बिना जेडेंसील uh, टू के रिएक्शन दे सकता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है बेटा ये टू डिग्री है और अगर देखा जाए ये टू डिग्री है तो यहाँ पर लुईस एसिड है तो ये भी रिएक्शन दे सकता है मतलब आंसर वन थ्री फोर से हम एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं लेकिन जो सेकंड है उसे नहीं बना सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था तो आंसर इसका थर्ड आ जाएगा बहुत अच्छी बात है कि अस्तित्व ने और एक दो बच्चों ने आंसर लिख दिया था काफी हद तक हाँ ठीक है बेटा अब कुछ बच्चे क्या है इधर देख इधर देख के छोड़ देते हैं ये भी देखना रे ऐसे ऐसे मत करना गलत बात हो जाएगी ठीक है चलो अच्छी बात है श्रेय का भी सही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैं कहाँ से रिएक्शन पढ़ रहे थे अभी अभी हम लोग सारा काम कर लिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा यहाँ कंप्लीट हुआ बधाई हो आपका एक सेशन कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट ईयर हम लोग बढ़ रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ बट घबराओ मत टी में आ, पहले क्या है एराइल हेलाइट का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है है ना तो परेशान मत होना बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एराइल हेलाइट वाली जो चीजें हैं सब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा अभी एलकाइट क्लियर कर रहा हूँ ठीक चलिए फटाफट सुनते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी आएगा फिर क्वेश्चन जब आएगा तो उसको और अच्छे से हम रिलेट कर लेंगे ठीक तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्का देखो ध्यान से अगर हम एलकाइल को देखें बेटा एल्काइल हिलाइट को तो जैसा कि हमें पता है कि ये पोलर बॉन्ड है ना कैसा बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है बिकॉज ऑफ डिफरेंस की ज्यादा होती है तो ये कार्बन के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा खींच लेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव देंगे और वहां पर पार्शियल पॉजिटिव देंगे तो हमें एक बात तो समझ में आ गया है कि अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी है तो कोई न्यूक्लोफिलिक पार्ट इस कार्बन पर अप्रोच कर सकता है समझ में आ रही बात जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिय है तो

फ्लोरीन जाएगा तो फ्लोरीन पर नेगेटिव आएगा और फ्लोरीन जो है वो अच्छा बेस है एस कंपेयर टू आई नेगेटिव क्योंकि जब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है दैट इज वन एस टू पी ये हमने पढ़ रखा है तो यहां पर मैं बता रहा था कि जो आई माइनस है वो वीकर बेस है एंड वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट दिया है तो यहां पर लिविंग ग्रुप है यहां एप्रोच कर सकता है। इसका मतलब एल्काइल को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले छपना चाहिए तो आपको क्या बोलना चाहिए सर ई एर एफ आर एफ आर एस आर तीन रिएक्शन दिमाग में छपना चाहिए ER, पहले तो यही सोच लेना चाहिए उसी तरीके से एल्काइल हेलाइट अगर है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे एन एस आर ठीक अब एन एस आर में आगे चल के आप दो पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे एक हम लोग बोलेंगे बेटा एस एन वन और एक हम बोलेंगे बेटा एस एन टू ठीक है एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म पढ़ेंगे मतलब हैलाइड की जब रिएक्शन हुई तो देखा गया उसके दो तरीके के कंपाउंड्स बने और उनके बेसिस पर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर टू टाइप से कैटेगराइज किया है एन एस आर को दैट इज एस एन वन एंड एस एन टू ठीक है एन एस आर के अलावा ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दो सिग्मा जाएंगे एक पाई आएगा ठीक है अभी दिमाग में यही रखना है दो सिग्मा हटाएंगे एक पाई हट, आ, लाएंगे तो अगर हम दो सिग्मा हटाएंगे तो एक सिग्मा कौन रहेगा बेटा यही लिविंग ग्रुप रहेगा जो अपने बॉन्ड को लेके जा रहा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये भी एलिमिनेशन दे सकता है और इसमें भी एलिमिनेशन में आपको ई वन एंड ई टू के बारे में स्टडी करना है क्या समझ में आई बात ये अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा बेटा रिडक्शन रिडक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा कि हेलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना जिसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है बेटा मेटल के साथ एसिडिक मीडियम ठीक है ध्यान से सुन लो मेटल के साथ एसिडिक मीडियम याद रखने का टेक्निक है कॉल्ड रिडक्शन क्योंकि एसिडिक मीडियम H प्लस दे सकता है मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है और दोनों मिलके H H2 बना सकते हैं क्या समझ में आई बात ये हाँ बेटा मिसमा ही वो एंटी मार्कोनिक रूल जनरली प्रीफर करता है एफ लेकिन हमेशा नहीं हाँ तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे रिडक्शन तो यहाँ पर सबसे बेसिक रिएक्शन में आता है एनएसआर एंड एलिमिनेशन देन आगे रिडक्शन और उसके बाद आता है मेटल के नाम पे रिएक्शन बेटा है ना मेटल के नाम पे रिएक्शन मतलब ये हुआ कि अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन आप आगे देखेंगे कि सोडियम के साथ हो गई ठीक है फिर क्या आप देखेंगे बेटा सोडियम के साथ कि भाई मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन हो गई ठीक है पहले और जब ए आई पी एम टी होता था तो उस समय हम कोरे हाउस वगैरह भी पढ़ लेते थे बट अभी जरूरत इसकी नहीं है तो अलकाइल हेलाइट जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरीके से रिएक्शन करता है वो भी पढ़ना है तो जब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्का हेलाइट एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी ने तीन बातों को बताया है एलिमिनेशन एंड मेटल के साथ रिएक्शन आई बात समझ में एक रिडक्शन मैंने ऐड किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने को पढ़ना ही है और ये आपके नीट में भी पूछा जा चुका है तो देखो एल्काइल हेलाइड कभी भी दिखे अगर आप एलकाइल हेलाइट के रिएक्शन पढ़ रहे हो रिएक्शन पढ़ रहे हो प्रिपरेशन तो पढ़ लिया ना बेटा एल्काइल हेलाइट के अगर रिएक्शन पढ़ रहे हो ना दिमाग में एक बार छाप लेना है एस एन वन एस एन टून ए टू रिडक्शन एंड मेटल के नाम रिएक्शन जल्दी बोल दिया क्या ऐसे आपको ही बोलना है एस एन वन एस एन टून ई टू रिडक्शन एंड मेटल के नाम पर रिएक्शन यही है फिर से बोलो एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू रिडक्शन एंड मेटल के नाम पे रिएक्शन सोडियम को देखा तो नाम आना चाहिए आपके जहां पर वर्ड्स रिएक्शन ठीक है और मैग्नीशियम को देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो आज के बाद कभी भी आपके सामने ये दिख जाए तो यही रिएक्शन सोचना है और कोई रिएक्शन सोचना नहीं है ठीक जिसमें बेटा अगर मैं आपको बोलूं तो इस आपको तो इसमें आपको में इवन रिएक्शन पढ़ना ही नहीं है है ही नहीं में कुछ दिए ही नहीं है जो इवन से कंप्लीट हो है ना तो एस एन वन एस एन टू टू ही मेन आएगा और ये तीनों आपस में रिलेट होंगे रिडक्शन मैंने बता दिया मेटल के साथ एसिडिक मीडियम लेंगे तो जो भी एल्का हेलाइट लेगा वहां पर अपन क्या लगा देंगे सी एच मतलब हेलोजन हटा के एच लगा और इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं चलो मुझे बताओ क्या यह बात जो मैंने अभी बताया यहां पर ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बताओ यहां पर जो केमिकल रिएक्शन की बातें कि वो क्लियर हो चुका है आपको हाँ या ना तो बोल दे तभी तो समझ में आएगा ऐसे कैसे चलेगा चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है तो चलिए हम लोग इसके केमिकल रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं आगे देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाँ रिएक्शन uh, रिएक्शन है ना reaction, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं एन एस आर ठीक है एन एस आर ठीक न्यूक्लियोफिलिक्स रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया कि हैलाइड ने यह शो किया कि वो दो तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है है ना ऐसे तो एस एन आई और बहुत सारी रिएक्शन होती है लेकिन हमारे सिलेबस में दो हैं तो एक एस एन वन हुआ और दूसरा एस एन टू अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर कोई अल्काइल एलकाइलाइट सब्सटीट्यूशन दे रहा तो उसमें एस एन वन किस तरीके से कंप्लीट हुई है ना उसके जो थ्योरी निकल के आई वो क्या आई और एस एन टू में जिस तरीके से कंप्लीट हुआ तो उसमें किस तरीके का थ्योरी दिया गया है ठीक तो एस एन वन में सबसे पहले दो वन है वन का मतलब मोलिकुलरिटी होता है ना सबसे पहले क्या समझना है मोलिकुलरिटी की बात होती है अब देखो अल्काइल हैलाइड जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है ठीक है और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास और रिएक्शन हो गई

हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब से जुड़ा हुआ हो जैसे एच टू जो है वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को क्या कर सकते हैं घिर सकते हैं मतलब दोनों से वो बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं लेकिन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर ए कहने का मतलब क्या हुआ पोलर है क्या है पोलर है पोलैरिटी तो है डाइपोनोमेंट जीरो तो है नहीं लेकिन ए प्रोटीक है मतलब उसके पास वैसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो ये क्लियर है बेटा ठीक तो यहां पर हमने क्या देखा फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप जाएगा कार्बोटाइन बन जाएगा और जब भी किसी रिएक्शन में जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेट बनता है जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो वो तीन फेनोमेना शो कर सकता है पहला रीअरेंजमेंट पहला क्या शो कर सकता है कार्बोटेन अगर बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है रीअरेंजमेंट आपने सुना होगा वन टू शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट होने से कार्बोटेन की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है और जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तो उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं कॉम्बिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि कोई न्यूक्लोफाइल आया और उस कार्बोटेन से जुड़ गया तो एक बॉन्ड बन जाएगा

फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का ये बात समझ में आई बात और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो फास्ट स्टेप होता है और ये क्या होता स्लो है स्लो स्टेप क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा होता है अब पहली बात ये कि सर क्या ये बॉन्ड खुद से टूट गया नहीं बेटा एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि जो हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं जो हम सॉल्वेंट लेते हैं बेटा वो सॉल्वेंट ही इसको तोड़ता है कैसे जैसे मान लो हमने H2O ले लिया अब एच टू ओ सोलवेंट जो होता है वो तो एक्सेस में होता है अब हम एच टू अगर लेते हैं तो एच टू ओ में एच पर पार्शियल पॉजिटिव है वो इससे बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पर कार्बन से कौन बना सकता है ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है आई बात समझ में तो ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड बना रहा है तो यहां से जो बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ के तोड़ देती है जिससे हमें कार्बोट मिलता हुआ है मिलता है आई बात समझ में तो एस एन वन के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कार्बोटाइन बन गया लिविंग ग्रुप हटा दिया कार्बोटाइन बना दिया एंड देन क्या हुआ न्यूक्लोफाइल का अटैक और रिएक्शन कंप्लीट बट कार्बोटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है अब हम बात करते हैं इसके काइनेटिक्स की अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो रेट एल्काइल हिलाइट पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा वो सॉल्वेंट पे नहीं करेगा क्योंकि जो हम एक्सेस में लेकर रखते हैं उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर और जो मोलिकुलरिटी होगा वन होगा और इसी मोलिकुलिटी के कारण हम इसे बोलते हैं यूनी मोलिकुलर न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया इसका मतलब अगर हम एलकाइल हेलाइट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है देखो इसमें जो ये स्टेप है इस इसपे सारी चीजें डील करते हैं लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एलकाइल हेलाइट के बेसिस पे बता रहा हूँ सॉरी कार्बोट के स्टेबिलिटी के बेसिस बता रहा हूँ एल्काइल हेलाइट ऑर्गेनिक सबस्टेट के भी बेसिस पे बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन उन्हें जानना बहुत जरूरी नहीं है नीट में वैसे लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं

जब कार्बोटेन बना था तो वो कार्बोटेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो क्या होगा sp2 होगा और sp2 होता है प्लेनर तो कंसीडर करो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लो वो जो प्लेनर था उसको एव प्लेन अटैक कर सकता है क्योंकि वहां से मिनिमम रिपल्शन होगा और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है फिफ्टी परसेंट चांसेस थे प्लेन, 50 बिलो द प्लेन तो वहां पर रेस्मिक मिश्र बनने के चांसेस होते हैं क्या समझ में बात पर दो नए टर्म आते हैं बेटा दैट इज कॉल रिटेंशन एंड इन्वर्जन जो थोड़ी देर में मैं क्लियर करूंगा तो रेस्मिक मिश्र बन सकता है यहां पे कब जब न्यूक्लोफाइल के अटैक करने के बाद काइरल सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा हो लेकिन वो रेसमिंग मिक्सचर 100 परसेंट बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है वो डिपेंड करता है वो कार्बोडन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है आई बात समझ में तो थोड़ी देर में उन बातों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले एक बात जान लें कि अगर न्यूक्लोफाइल के अटैक करने के बाद काइरल सेंटर बन रहा है तो वहां पर रेसमिंग मिक्सचर बनेगा 100 परसेंट बनेगा लेकिन बनेगा और वो 100 परसेंट या कितना बनेगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर वो डिपेंड करता है ठीक तो रिटेंशन रिटेंशन की बात थोड़ी देर में करेंगे रिएक्टिविटी की बात जो करें तो रिएक्टिविटी के मैक्सिम क्वेश्चन जो आपको यहां है, वो इसके इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर क्लियर हो सकती है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट बनेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा ये हमें पता है क्योंकि अगर इंटरमीडिएट अगर बनेगा ही नहीं तो ये रिएक्शन कंप्लीट ये स्टेप कंप्लीट होने वाली नहीं है क्लियर है बेटा यहाँ पे तो एस एन वन के सारी बातें आपको क्लियर कर दी है मैंने तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं देखिए सपोज कीजिए कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो हैलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप है ठीक है ये एनसीआर में ही दे रखा है ठीक अब ये जो लिविंग ग्रुप है यहां से हटा और यहां पर कोई आ, वाई आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस कर देता है तो जहां से लिविंग ग्रुप गया है वहीं पर अगर कोई दूसरा स्पीशीज आके लगता है तो इसे हम कहते हैं बेटा रिटेंशन क्या बोलते हैं रिटेंशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन समझ में आया बेटा जिधर लिविंग ग्रुप गया था उधर से ही आ गया कोई न्यूक्लियोफाइल तो समझ लो उसे क्या बोल दिया रिटेंशन और अगर मान लो उसके बैक साइड से कोई स्पीशीज आके लगता है तो उसे हम कहते हैं inversion. तो रिटेंशन का मतलब समझ में आया होगा कि अगर लिविंग ग्रुप जिस साइड से था उसी साइड से अगर हम उसे रिमूव कर रहे हैं और उसी से हटा के, उसी साइड से एस एन वन रिएक्शन में ये दोनों चीजें मिलती हैं इसीलिए हुआ है और अगर सेंटर का फॉर्मेशन हो तभी जाके हम बोलेंगे कि वहां बन सकता है क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आपको एस एन वन रिएक्शन में अगर 50 परसेंट इनवर्जन और 50 रिटेंशन हो तभी जाकर 100 परसेंट रेशमी बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा क्या समझ में आई बात तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि एस एन वन रिएक्शन में इनवर्जन स्लाइटली ज्यादा होता है मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इनवर्जन 60 हुआ है तो रिटेंशन क्या होगा बेटा 40 ही होगा तो बताइए कितना बनेगा रेसमिक मिक्सर क्या होता है इक्विमोलर मोलर मिक्सर तो चालीस इसका 40% चालीस परसेंटेज का 80% ही रेसमिक मिक्सचर बनेगा बेटा उस केस में आया समझ में तो स्लाइटली इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है अब जन कम और रिटेंशन बढ़ा सकते हैं मतलब अगर हम चाहें तो 80 से 90 भी हम किसी किसी में देख सकते हैं कि रेसम बनेगा वो डिपेंड करता है कि जो बनने वाला कार्बोटाइन है वो कितना स्टेबल है अगर आपको दो अल्काइल अल्कायलाइट दे दिए दोनों में रेसिंग मिश्र बन रहा है और पूछ लिया किस में ज्यादा रेसमिंग मिश्र बन रहा है तो आपको क्या बताना होगा सर स्टेबल कार्बोटेन जितना ज्यादा बनेगा रेसिजेशन उतना ज्यादा होगा उस केस में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों लगभग लगभग सेम हो जाता है क्या समझ में आई बात ये तो ये बात रिटेंशन इन्वर्जन की आपको क्लियर हो चुकी होगी एस एन वन रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बताओ एस एन वन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लिविंग ग्रुप हटाएंगे कार्बोटाइन बनाएंगे याद आया क्या कार्बोटाइन बनाने के बाद रिअरेंजमेंट चेक करके न्यूक्लोफाइल अटैक कर देंगे क्लियर क्लियर जल्दी बोलो क्लियर बताओ जल्दी से क्लियर क्लियर चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए देखिए अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में दैट इज SN2 टू रिएक्शन देखिए एस एन टू रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व हुई चीजें कि कोई अल्काइल हेलाइट है उसमें हेलाइट को हटा के न्यूक्लोफाइल लगा बट उसमें ये देखा गया कि अगर मान लो रीअरेंजमेंट हो सकता था जैसे मान लो बेटा ऐसा कोई था रिएक्शन मान लो ऐसा कुछ होगा और हम किसी न्यूक्लोफाइल से रिएक्शन किए होंगे तो यहाँ पर मान लो ऐसा था और यहीं पर आकर न्यूक्लोफाइल लग गया जरा सोचो ये अगर देखा जाए देख के क्या लग रहा है कि क्या ये एस एन वन से पूरा हुआ होगा क्योंकि हमने ये देखा है कि एस एन वन में कार्बोक्टैन बनता है और कार्बोटेन अगर बनता तो इसको हटाते तो यहाँ बनाते हैं और री एजमेंट होकर यहाँ चला जाता तो न्यूक्लोफाइल यहाँ आना चाहिए था बट जब हमने देखा रिएक्शन करके एक्सपेरिमेंटली और देखा कि कुछ ऐसे भी अल्काइल एलकाइल जो पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद एस एन वन जैसा बिहेव करता था जो एस एन वन में ऑब्जर्वेशन हुई थी वैसा नहीं हुआ तो लोगों ने बताया कि एक और मैकेनिज्म है एन एस आर का जिसे बताया गया एस एन टू जिसमें कार्बोटेन का फॉर्मेशन नहीं होता है आई बात समझ में तो देखो एसेंटू रिएक्शन में क्या देखा गया कि कोई एलकाइल हेल्ड है और न्यूक्लोफाइल है और ये न्यूक्लोफाइल क्या करता है एसेंटू रिएक्शन में इस लिविंग ग्रुप के एंटी साइड से बैक साइड से अटैक करता है वो बैक साइड से इसलिए अटैक कर रहा होता है क्योंकि क्लोरिन के पास लोन पेयर है ये लोन पेयर लोन पेर रिपल्शन ना हो जाए है ना जैसे मान लीजिए आपके क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं सिंपल सी बात है एक बेंच पे अगर चार बच्चे बैठे हुए हैं और एक बेंच पे दो ही बच्चा बैठा हुआ है तो आप उस बेंच पे सेलेक्ट करेंगे जहां पर जगह कम है या जगह ज्यादा है जगह जहां ज्यादा रहेगा आप वहीं पर जाएंगे

क्योंकि यहां पे कार्बोन बना नहीं प्लेनर है नहीं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं और कर बेटा जो न्यूक्लियो है वो कैसा है अगर न्यूक्लियो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो उस केस में हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज करेंगे अब ऐसा क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि बेटा अगर हमने मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया

है ना एनाइन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है वो उसका सॉल्वेशन इफेक्टिव नहीं होता है तो SN2 टू में क्या हुआ बैक साइड से अटैक कर रहा है लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है आप इस बात को इस कार्बन पर अगर अटैक करना है तो ये तीनों कौन है हाइड्रोजन जरा हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा के दिखा तो ये मिथा, ये OH क्या भी लगा रहे? भाई वो छोटे छोटे थे तो यहाँ पर आके अटैक करने में बहुत सही लग रहा था लेकिन अगर तुमने इधर कहीं स्टेरिक बढ़ा दिया बल्कि बल्कि ग्रुप लेकर आ गए तो मुझे यहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा मतलब ये हुआ कि एसेंट टू रिएक्शन में जो मेन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई स्टेरिक हिंट्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस कम होगा तो न्यूक्लोफाइल आसानी से अटैक करेगा पहली बात सर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी जितनी इलेक्ट्रॉन कमी होगी न्यूक्लोफल से अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा होगा तीसरी बात लिविंग ग्रुप जितना अच्छा हो एनएसआर उतना अच्छा होगा वो एस वन के लिए भी वैलिड है एस टू के लिए भी वैलिड है क्योंकि फाइनली लिविंग ग्रुप को तो जाना ही है क्या समझ में आई बात तो सबसे पहले लास्ट इन्वर्जन सही बात है और अगर मुझे अगर मुझे रिएक्टिविटी की बात तो रिएक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे फटाफट मैंने को बताओ रिएक्टिविटी में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे रिएक्टिविटी में पहला फैक्टर क्या आएगा कि सर देखो हिंड्रेंस कम होना चाहिए मतलब वन डिग्री हैलाइड सबसे आसानी से रिएक्शन देगा थ्री डिग्री अल्काइल अल्काइट तो देगा ही नहीं स्टेरिक ज्यादा हो गया टू डिग्री अल्काइल अलकाइट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लोफाइल छोटा है कि बड़ा मान लो ये खुद बड़ा हो गया तो ये भी नहीं पहुंच पाएगा इसको भी छोटा होना है और यहाँ पर भी स्टेरिक कम चाहिए तो ही जाके एसेंटू बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है ये क्लियर है बेटा चलिए तो इसके रेट में देखिए आरडीएस जो मिला है बेटा उसमें न्यूक्लोफाइल भी इन्वॉल्व है और हैलाइड भी तो देखो दोनों इन्वॉल्व है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एंड मोलिकुलिटी दोनों क्या हो जाएंगे दो क्या समझ में आई बात ये अब आते हैं रेट इज डिपेंडे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लोफाइल मतलब अगर हमने न्यूक्लो को डबल कर दिया तो सिंपल सी बात है इसका रेट भी क्या हो सकता है डबल क्यों हो सकता है समझ में आ रही बात क्यों क्योंकि इसका nucleophile पे डिपेंड कर रही चाहिए आरडीएस में इसका भी इन्वॉल्वमेंट है

यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एस टू रिएक्शन है बताओ पहला क्या मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे सोचिए देखो अगर एल्काइल हेलाइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है सोचो 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 अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एल्काइल हेलाइड में है तो मुझे बताओ क्या वो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या बढ़ाएंगे क्या हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे सर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी और न्यूक्लोफाइल क्या करेगा अटैक कर देगा क्या समझ में आई बात क्या समझ में आई बात क्लियर है चलो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक दूसरा अगर दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरा बात करूं तो कि सर यहां पर जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए क्यों कम होना चाहिए समझ में आ रहा है क्योंकि भाई वो न्यूक्लियोफाइल की जुगाड़ क्या था कि पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करे भाई उसको तो वो पार्शियल पॉजिटिव देख रहा है क्योंकि उसको अट्रैक्शन हो रहा था और वो बोल रहा था हम तो वहीं पर अटैक करेंगे और वहां से अटैक करेंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है अगर तू ने यहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ा दिया तो वो वहां पहुंच नहीं पाएगा एसएन2 रिएक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे क्या क्लियर है क्लियर है बहुत बढ़िया ठीक है और क्या लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप तो एस एन वन पे भी डिपेंड करेगा और एस एन टू पर भी ये डिपेंड करेगा तो बताओ एस एन वन एस एन टू क्लियर हुआ एस एन वन एस एन टू क्लियर हुआ क्या

फाइल हो रहा हुआ तो उसी को घेर सॉल्वेंट के, के केस में ठीक है रिएक्टिविटी का दोनों आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है तो चलो अब फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन को ट्राई करो और मेरे को एक्सप्लेन करो जल्दी से जल्दी से बेटा जल्दी से <coughs> जल्दी से जल्दी से सोचो कंपाउंड्स कंपाउंड्स कैन नॉट कंपाउंड कंपाउंड कौन से कंपाउंड वन नहीं देंगे आप सोच कैसे रहे इस पर डिपेंड करता है बेटा अगर आप सोच सही तरीके से रहे, तो मजा आ जाएगा अगर आप सोच सही तरीके से नहीं रहे तो मजा नहीं आएगा तो इस बात को ध्यान रखेंगे जल्दी 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 देख देख तूने आंसर पे गया ना तू आंसर पे गया ना तुम लोग तुम लोग आंसर पे गए हो ना देख मैं क्या सोचता हूँ समझना ध्यान से मैं क्या सोच रहा हूँ कंपाउंड भाई एस एन वन की बात कर रही है मुझे कुछ भी बात करे ना कि रिएक्शन होगा नहीं होगा फास्ट होगा स्लो होगा फटाफट आरडीएस पे आ जा आरडीएस में क्या होता था लिविंग ग्रुप हटेगा हाँ यहां एस एन वन में क्या होगा लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोटाइन बनेगा अब मुझे बता कार्बोटाइन अगर स्टेबल बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं अरे बोलते हैं ना

क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लेनिटी नहीं आ सकती हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा समझ में ये बात सेकंड देखो सेकंड दिस इज एल्काइल हैलाइड और बेटा एल्काइल हैलाइड और एलकाइल हैलाइड बोल दे बोल दे

नहीं है और थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड में देखा जाए तो हेलोजन हटा है के कार्बोन बनाएंगे तो यहाँ पे नाइन अल्फा हाइड्रोजन आएगा नाइन अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोन को ठीक ठाक स्टेबल कर देगा बढ़िया स्टेबल कर देगा इंटरमीडिएट बन जाएगा और अगर इंटरमीडिएट बना तो रिएक्शन बढ़ा और इसमें आंसर ये हो जाएगा क्या क्लियर है बोलो समझे कि नहीं समझे अरे समझे कि नहीं ऐसा लगता है मानो समझ गए

टू डिग्री और थ्री डिग्री तो देता ही नहीं वो लग, नहीं हम तो देंगे ही नहीं चल बता दे बता दे बता दे बता दे स्टेरिक हिंड्रेंस, अच्छा पहली बात तो ये नहीं, नहीं गाना नहीं गा रहा हूं सुनो ध्यान से पहली बात तो ये कि यहां पर हेलोजन का लोन पर क्या है रेजुनेंस में है रेजुनेंस में होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो लीव नहीं करेगा लीव नहीं करेगा तो एन एस आर दे नहीं पाएगा और ये सेम एक्सप्लेनेशन हम इसमें भी बोल सकते हैं क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया पीडीसी पहला है पीडीसी पीडीसी का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक और रीजन है बेटा न्यूक्लोफाइल अगर मान लो बैक साइड से अटैक करेगा ध्यान से सुनना दिस इज फिनाइल हैलाइड बेटा पहले यह समझो यह है फिनाइल हैलाइड ध्यान से सुनो एरिल हैलाइड लेकिन यह फिनाइल नहीं है यह दोनों में आसमान जमीन का अंतर है

बोलेगा देखो यहाँ पर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था कि नहीं पे पार्शियल पॉजिटिव था कि नहीं इस कार्बन पे यहाँ पर भी था ना वो उसी कार्बन पे तो आना चाहता था न्यूक्लियोफाइल लेकिन उसी कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन से बोलेगा रिपल्शन रिपल्शन करते हैं करेगा तो तो रिएक्शन होगा ही नहीं तो ये दोनों इसके कारण हो चुके हैं अब आइए यहाँ पे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है भाई ये तो बोलेगा तुम आओगे कैसे बोलेगा मेरे को पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है अरे दिख तो रहा है लेकिन उसको छुपाने के लिए देख रहे हो कितने लोग बैठे हुए हैं आएगा ही नहीं वो देगा ही नहीं थ्री डिग्री चलो इसको देखो ये बोला हम कम है क्या उससे ना हम एस एन वन देते हैं ना हम एस एन टू देते हैं ना हम एस एन वन देते हैं ना हम एस एन टू देते हैं अब ये पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें बच्चा देख के गलती करेगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट पांचवा गलत करेगा हाँ भूमि ने तो सही बताया है एस एन वन वाला चलो बताओ भाई पांचवा वाला बता दो पांचवा बता दो पांचवा भी बता दो कोई कोई तो बता दो हाँ तो आपको दिख रहा होगा कि पांचवे में वन डिग्री तो है लेकिन बता, एक बात सोचो कि ये है एसपी थ्री हाइब्रिड ठीक है एसपी थ्री कैसा होगा ध्यान से सुनो ऐसा फिर ऐसा फिर यहाँ पर ये वेज और फिर ये डैश ध्यान से देखो ये कार्बन पे एक हाइलोजन इधर मान लिया एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर लेकिन ये जो ग्रुप इतना बल्कि लगेगा यहाँ पे न्यूक्लोफाइल कैसे अप्रोच करेगा अप्रोच नहीं कर पाएगा तो ना ये देगा एस एन टू ना ये देगा ना ये देगा ना ये देगा, देगा, देगा। इनमें से कोई भी एसन टू नहीं है ठीक है ठीक है बेटा तो क्या एस एन वन एस एन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेट पे कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो बेटा आपके सामने दस सेकेंड है नहीं बेटा भूमि पांचवा नहीं देगा पांचवा नहीं देगा बेटा पूरा पांचवा नहीं देगा अरे भाई साहब सुनो 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 ये तुम्हें फंसाने का काम करेगा ये जो है ना ये फसाने का काम करेगा वन डिग्री दिखा के लालच करवाएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टेरिक हिंडरन्स, स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर इतना बल्कि ग्रुप है कि देखो तो फैला हुआ है न्यूक्रोफेल अप्रोच नहीं कर पाएगा बच्चा इन दोनों हाइड्रोजन को देख के फंस जाता है क्या समझ में आई बात हाँ हाँ टन टन बोल दे चाहे जो भी बोल दे ठीक है बट एग्जाम में ध्यान रखना ऐसी बातें नहीं होंगी रिपल्शन वगैरह लिखा रहेगा चलो क्लियर चल अब आते हैं इधर एस एन टू का रेट बताना है बेटा मुझे लगता है इसको मैं नहीं तो भी समझ में आ जाएगा। चलो मैं लिख दे रहा वो बोल देना थ्री डिग्री है ये टू डिग्री है ये वन डिग्री है और ये भी वन डिग्री है बट इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ए बी सी डी लिख दूंगा जो बचपन में पढ़ा था वही काम आ रहा है यहाँ पे है सेकेंड वे वाले में देख लो थर्ड वाले में देख लो फोर्थ वाले में थर्ड में अगर देखा जाए तो ये क्लोरीन टू डिग्री है और यहां पर देखो तो वन डिग्री है तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ये एनसीआरटी का क्वेश्चन हो गया इन दोनों में देखो एलकाइल पार्ट सेम है लेकिन यहां पर लिविंग ग्रुप बेटर है आयोडीन और यहां पर उतना अच्छा नहीं है इसलिए हम बोलेंगे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई अब देखो सेकेंड वाले में देखो तो स्टेरिक स्टेरिकिंड लगभग सब में एक जैसा है देखो ध्यान से ये sp3 है पार्शियल पॉजिटिव SN2 में कभी भी बॉन्ड नहीं तोड़ना बेटा है ना SN1 में बॉन्ड तोड़ के कार्बोटाइन बना देना लेकिन SN2 में बॉन्ड नहीं तोड़ना पार्शियल पॉजिटिव देना पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव में डिफरेंस है पॉजिटिव मतलब बॉन्ड तोड़ के अलग हो चुका है कार्बोटाइन बना चुके हो लेकिन पार्शियल पॉजिटिव नहीं वहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव यहां पर पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि यहां पर बात हो रही है SN2 एस एन पार्शियल पॉजिटिव है स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग सब में सेम है क्या करें यह सीओ क्या बोल रहा है हम तो माइनस आई वाले हैं ऊपर से एसपी टू है ये जो तीनों फैलते हैं तो एक साइड आ जाता है उसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं माइनस आई लगेगा तो पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पे बढ़ जाएगा पार्शियल बढ़ेगा तो न्यूक्लोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ये फिनाइल क्या बोल रहा है ये भी माइनस आई लगेगा बच्चों को रेजोनेंस से क्लियर होती है ध्यान सुनो रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो यहां पर इसके पास लोन पेयर है

चलिए एस एन वन के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इसको जल्दी से टाइम बिना टाइम लगाए दस सेकंड में जब तक से मैं पानी पी रहा हूं इसको सॉल्व करो फटाफट दस सेकंड में और चालीस से पचास मिनट लगेगा मैक्सिमम पूरा देख पहले तो लिविंग ग्रुप चेक कर ले फिर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक कर ले लगभग सब कुछ सेम रहे तो माइनस आई लगा दे क्रिश आने बेटा वो सब बाद में देख लेंगे अभी जो पटर उसको पढ़ लेते हैं हाँ पार्शियल पॉजिटिव बेटा क्योंकि एस एन टू में क्या होता है न्यूक्लोफाइल आ रहा होता है लिविंग ग्रुप जा रहा होता है ना इसीलिए उसमें पार्शियल पॉजिटिव देखते हैं तो बच्चा उसमें पॉजिटिव देख लेता है चलिए सब सब बना लो जल्दी से मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन एस एन वन है इंटरमीडिएट क्या है कार्बो किटाइन कार्बो किटाइन चलो तो अब मुझे लगता है इसमें हटाऊंगा कार्बोटाइन बनाऊंगा इसमें अगर देखें तो इसका कार्बोटाइन ये, तो ये बनेगा इसमें देखे तो ये बनेगा इसमें देखे तो ये बनेगा तो विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाइन अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर देखिए तो फाइव अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर अगर देखे जो थ्री अल्फा हाइड्रोजन और उसमें नहीं है तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा एस एन वन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी ठीक अब आते हैं सेकेंड वाले में सब में ध्यान से देखिए तो सब में हर एक बात कॉमन है एक्सेप्ट दिस सब्स्टिट्यूट है ना इनको छोड़ के बाकी सारे चीजें क्या है एक जैसी दिखेंगी तो आप इस लिविंग ग्रुप को क्या करेंगे हटा देंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे कार्बोहड्राइट अब ये एरो ऐसे दे रहा हूँ इसका मतलब समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं बना सकता है ना है ना इसको दोबारा नहीं बनाने वाला मैं नहीं ना ऐसे एरो शो नहीं करते हैं सिंपल जैसा मैंने अभी तक शो किया था वैसे ही सिंपल सी बात है इसे हटा देंगे लेकिन मुझे पता है कि अभी आपको समझाना है तो आप आराम से इस तरीके से हटा के कुछ नहीं आपको यहाँ पे क्या बनाता है कार्बो है कार्बोटाइन बना दिया आप लोगों ने अब कार्बोटाइन जब बना दिया तो आप देखो यहाँ पे रेजोनस वगैरह तो ये एनओ का कौन सा इफेक्ट लगेगा माइनस एम एन है पोलर पाइबोन पोलर पाइबोन लगाएगा माइनस एम माइनस एम कार्बोटाइन को करेगा डी स्टेबिलाईज सी एस थ्री का कौन सा इफेक्ट लगेगा पक्का तुम गलत बोलने वाले हो बता दो सी एस थ्री का इफेक्ट तुम गलत बोलने वाले हो मुझे पता है पता है मुझे सीएस थ्री का कौन सा इफेक्ट सीएस थ्री का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ बताओ भाई आज ही बताना है सीएस थ्री का कौन सा इफेक्ट कौन सा प्लस एच क्लियर है OCS3 का कौन सा प्लस एम क्यों क्योंकि यहां पे लोन पेयर है ठीक है और यहां पर भी क्या है लोन पेयर तो ये भी लगाएगा तो सकता हूं सी और डी की स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से और बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है इतना तो क्लियर है ना बेटा अब सी और डी में दोनों में देखो देखो आई जो बोला है ना गलत बोला है यहीं पे बेटा साक्षी के देखो आई नहीं पे अल्काइल ग्रुप है तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन चेक करना बेटा है ना सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन चेक करना बहुत बढ़िया चलिए तो यहां पर देखिए जब दोनों प्लस एम है तो इसमें डोनर एटम कौन है ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है ज्यादा है सिंपल सी बात है तो हम ऐसा कह सकते हैं डी इज मोर स्टेबल देन सी क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां से बैक बोनिंग ज्यादा अच्छा होगा इस कार्बोटेन पे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्योंकि यहां पर डोनर नाइट्रोजन है ई एन कम है डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है और एंसर ये हो जाएगा ठीक है तो अभी बताएंगे मेरे को कितने बच्चों का तीनों का तीनों सही है जब मैं इसका आंसर दे दूंगा जरा ध्यान से देखिए यहां पर बेटा C6H5 बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं दिस इज फिनाइल है ना दिस इज फिनाइल Br को हटा के यहां से ब्रोमिन लगा देना है है ना यहाँ से अगर देखे तो यहां पे बी आर देखो ये बी आर कहां लगा है इस कार्बन से यहां लगा लगा है तो रेजोनेंस यहाँ पे दो हो रहा है और प्लस तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो था। था है. यहां पर अगर देखें तो इस पे रेजोनेंस है और यहां पर थ्री अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर देखिए सी सिक्स फाइव सिक्स इसमें सिर्फ और रेजोनेंस है दो बार और इसमें भी सिर्फ रेजोनेंस तो इसमें रेजोनेंस दो बार है इसमें रेजोनेंस जो है दो बार है साथ में तीन अल्फा हाइड्रोजन है अब मुझे बताओ क्या ये समझ में आया बात बेटा तो यहां पर दो बार रेजोनेंस और तीन अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ये हो जाएगा अगर मैं इसको डी बोलू तो उसके बाद कौन हो जाएगा ये क्योंकि इसमें दो बार फिनाइल का रेजोनेंस है फिर बी हो जाएगा उसके बाद ये क्यों हुआ क्योंकि एक बार रेजोनेंस और साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है तो सी एंड लास्ट में आ जाएगा ए बताओ कितने बच्चों का तीनों सही था कितने बच्चों का तीनों का तीनों सही था डिब्बी सी ए डिब्बी सी वेरी गुड पूरा हाँ भाई कितने लोगों का सही हुआ आज नहीं बताओगे आज ही बताओगे अच्छा चलो ठीक है अच्छी बात है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है साक्षी प्रिया आपका एक ही करेक्ट है तो क्या क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है गलती कर रहे हैं वो बात सही है लेकिन उसे सही भी करना जरूरी है चलिए तो एन एस आर पर बेस्ड जो आपके एनसीआरटी में लिखा हुआ है वो सारे रिएक्शन में बता दे रहा हूं देखो ध्यान से बेटा यहां पर एनएएच और के लिखा आ गया और ये एक्वास फॉर्म में है ठीक है एक्वास फॉर्म में है तो बेटा यहां पर SN1 या SN2 दोनों में से कुछ भी होगा तो जो न्यूक्लो है वो ओ OH एच ही लगेगा और जब ओ OH एच लगेगा तो देखो आर के साथ के एक्स को हटा के ओएच OH लगा दिया तो एल्कोहल बन गया अब देखो एच टू जब वीक न्यूक्लो अगर वीक न्यूक्लो है तो रिएक्शन एस एन वन मैकेजम से जाएगी और ये फाइनली जाके ओ OH एच लगाएगा एच टू जब अटैक करता है तो ओ OH लगता है हमें पता है क्योंकि एच टू जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा और वहां से हाइड्रोजन H+ प्लस के फॉर्म में चला जाएगा तो एसन एच टूजाइल इसे देखो सोडियम एल्कोक्साइड बेटा आयोनिक बॉन्ड है प्लस माइनस लगाया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो है ये कौन सी रिएक्शन देगा एस टू देगा एस टू देगा तो बताइए अल्काइल हेलेट कैसा रहना चाहिए वन डिग्री होना चाहिए या वैसा जिसमें स्टेरिक हिंडेंस कम हो थ्री डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए तो इसमें ओ जाके चिपकेगा तो अगर अल्काइल हेलाइट से हलाइट हटा के ओ लगाओगे तो ईथर बन जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो एन अगर हम लेते हैं जो कि यहां पर फिंकल स्टाइन रिएक्शन में आता है जो अभी आगे आने वाला है तो वहां पर हम एन लेते हैं एसिटोन के साथ तो आई जाके लगेगा तो एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा उसी तरीके से एन एस थ्री जो है बेटा ये भी SN2 से कंप्लीट होता है ये भी SN2 से कंप्लीट होता है एन एस थ्री अमोनिया इज अ गुड न्यूक्लोफाइल है ना तो ये एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो करेगा न्यूक्लोफाइल अटैक कर रहा होगा लिविंग ग्रुप जा रहा होगा और एन एस थ्री जब अटैक करेगा तो NH2 टू लगेगा क्या लगेगा NH2 लगेगा और और लगने से वहाँ पे अमाइन अमाइन बन जाएगा और ये वाला जो रिएक्शन है बेटा ये अमाइन चैप्टर में भी आपको दिखेगा उसी तरीके से टू डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो टू एन आर लग जाएंगे सेकेंडरी और स्टर्स बन जाएगा बेटा ठीक है KCN देखो प्लस माइनस है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है अगेन मैं थोड़ी देर पहले समझाया था तो एल्काइल हेलाइट का अगर हैलाइट गुड लिविंग ग्रुप है तो सी जाकर डोनेट करेगा तो साइनाइड बन जाएगा देखो यहाँ पे एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एनसीआरटी में जो दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझिएगा अच्छे से केसीएन की अगर हम बात करें तो के पर प्लस हो गया सी पर माइनस और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है हमें पता है कि डोनर कार्बन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है

तो वो बॉन्ड थोड़ा वीक होता है एस कंपेयर टू तो कार्बन कार्बन बॉन्ड समझ में बात ये NCRD का एक्सप्लेनेशन है अगर हम एजीसीएन लेते हैं तो बेटा हमें पता है एजी में कार्बन और एजी में यहां पर कोवेलेंट करेक्टर है जबकि यहां पोटेशियम और कार्बन में आयोनिक करेक्टर था दैट इज वाई यहाँ पे डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन अवेलेबल है और जब ये डोनेट करेगा तो कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ेगा तो यहां पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा क्लियर है बेटा यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं KNO2. अब KNO2 है तो अगेन बेटा इसका स्ट्रक्चर बना लो बस यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर होता है, तो है करेगा? करेगा. क्यों करेगा क्योंकि नेगेटिव स्पीशीज स्पेशी डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो जब ऑक्सीजन करेगा तो यहां पर देखिए नाइट्राइट बनेगा लेकिन अगर हम यही के, के जगह एजी रख दें तो ये डीव ब्लॉक एलिमेंट है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे बेटा और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा नाइट्रोजन करेगा उसकी ईएन कम है और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो कार्बन से लगेगा तो नाइट्रो बन जाएगा क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका कि कब यहाँ पर नाइट्रो लगेगा कब नाइट्राइट लगेगा इट डिपेंड्स कि वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है ठीक है उसी तरीके से इसको देखो ये बस ऐसे डराने के लिए लिख रखा है ओ माइनस है तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर कोई अल्काइल हेलाइट से रिएक्शन करोगे तो सिंपल सी बात है ये नेगेटिव जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा एक्स को बाहर करेगा तो ये पूरे पार्ट को जोड़ दो तो ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर देखो एस्टर बन जाएगा वही लिखा हुआ है वहाँ पर LiAlH4 का नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस के फॉर्म में है तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन 1s है एल्युमिनियम 3p है है ना बॉन्ड वीक है तो ये इसका सिग्मा जाके पार्टिसिपेट करता है R और X है

तो एनाइनिक करेक्टर जाकर अटैक करेगा तो आर आर वन बनेगा क्या समझ में आई बात तो चलिए जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने यहां पे लिख रखा है क्या आपको एलिमिनेशन याद है फटाफट देखिए <laughs> चलिए तो E2 रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा जैसा कि हमें पता है जैसा कि हमें पता है E2 बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से देखिए हाँ भाई चलिए हाँ भाई मिस माही क्या डाउट है भाई लिख दो पहले एक बार हाँ भाई जल्दी से थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे चलिए कोई डाउट नहीं है ना इसमें आगे बढ़े चलिए देखिए बेटा देखो E2 रिएक्शन क्या है E2 में दो टाइप के रिएक्शन अपने को पढ़नी है एक है बेटा डीहाइड्रोहैलोजीनेशन मतलब समझिएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम यहां पर भूल जाते हैं उसको पढ़ते ही नहीं है कि क्या है क्या, है, क्या नहीं

डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ दोनों के दोनों हटा देंगे, तो भी पाई बन जाएगा। तो E2 बेसिकली दो हैं, एक बात बताऊं मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया मेरे को खटाक से जवाब रखना मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया और हैलाइड लिया अलकालेलाग के साथ मैंने थ्री डिग्री ले लिया ठीक है मुझे बताओ रिएक्शन क्या होगी क्या होनी चाहिए बस इतना बताओ मैंने मान लेता हूं कि तुमने पहले कुछ नहीं पढ़ाया जो अभी तक पढ़ाया वही है थोड़ा बहुत मुझे बताओ अगर स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल लिया और थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट लिया तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए बताओ 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 बोलो जल्दी बोलो क्या होना चाहिए एस एन वन होना चाहिए एस एन टू होना चाहिए साक्षी प्रिया एस एन वन मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल बोला है ध्यान रखिएगा एस एन वन रिएक्शन वीक न्यूक्लोफाइल से प्रोसेस होती है के एच सत्यम गधा गलत कर रहा है बताता हूं सत्यम तेरे को कल में हाँ बताओ आगे बेटा समझो ध्यान से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एस एन टू रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल चाहिए होता है एस एन वन में वीक न्यूक्लोफाइल चाहिए होता है एस एन वन के लिए वीक न्यूक्लोफाइल लेकर रिएक्शन कराते हैं एस एन टू के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक् स्ट्रॉन्ग न्यूक् विद्री डिग्री अल्का मारूंग कधा एस एन वन बोले जा रहा है हा तो उससे क्या मतलब है उससे क्या मतलब है कि टर्शरी बोल दिया तो एस एन वन करा दोगे मैं क्या बोल रहा हूं अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल है तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर देखो है है तो SN2 होना चाहिए तो खुद से दिमाग क्या लगा दिए अच्छा SN2 नहीं देगा, तो SN1 दे देगा। तो ना लपड़ खाओगे ना तुम लोग नहीं समझे मेरा कहने का मतलब समझ में आया मैंने टर्सरी बोला नो डाउट मैंने टर्सरी बोला बट न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग बोला ना आपको ऐसा बोलना चाहिए था सर रिएक्शन नहीं होगी एस एन टू होना चाहिए था बट रिएक्शन नहीं होगी आपका आंसर ये आना चाहिए था बस आपका आंसर ये आना चाहिए था मुझे आपसे ये उम्मीद थी बस मुझे आंसर सही जरूरत नहीं थी मुझे तो ये था कि सर देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्ल के साथ एस एन टू देना चाहिए लेकिन क्या है कि आपने थ्री डिग्री ले लिया तो एस एन टू नहीं होगा अब पता नहीं आगे तो आपने बताया नहीं अभी तो इतना ही बताया आपको ऐसे बोलना चाहिए ना ये है ना कॉन्फिडेंस चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल ले रहे हैं एलकाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है तो जहां एसेंटू होना चाहिए था जहाँ एसेंटू होना चाहिए था एंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वहां नहीं हो पा रहा है देन एस एन टू रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इन टू ई टू रिएक्शन देखो एसेंटू टू का मतलब रिश्ता जो है ना एकदम जन्मों का है मतलब पुराने मतलब सात जन्म से साथ ही रह रहे हैं लोग समझ में आई बात ये तो समझो ध्यान से जब स्ट्रॉन्ग निकलो फाइल विथ एलकाइल लिया और स्टेरिक ऐसा आ गया जिसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस केस में वो ई टू हो जाता है अब समझते हैं ई टू क्या होता है अच्छा SN2 में टू क्या होता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ना बेटा ई टू में भी सिंगल स्टेप होगा लेकिन आप बोलोगे सर एस एन टू में तो ऐसा होता था न्यूक्लोफाइल आ रहा है लिविंग ग्रुप जा रहा है तो E2 में भी ऐसा ही होगा E2 में दो सिग्मा हटेगा ना तो दो सिग्मा एक साथ हटेगा दो सिग्मा हट रहा होगा

इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाया मान लीजिए अभी कि इस अल्काइल के पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक नहीं कर पाया तो ये क्या करता है इसके बीटा हाइड्रोजन को खाता है अब ये बीटा हाइड्रोजन समझना है बेटा लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है ध्यान से सुनिए लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है तो बीटा कार्बन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है बीटा कार्बन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो 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 ये 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 क्या करता इसके को खाता है 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 इसके इसके को को खाता ठीक खाएगा के तो के साथ बना के जा रहा होगा बोलेगा तो बोलेगा भाई हम तो दे के जाएंगे तो ये तुम पाई में कन्वर्ट हो जाओ दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके ले जा रहा होगा तो देखो क्या हो रहा है बी एच को खा रहा है इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है मतलब दोनों बॉन्ड दो सिग्मा जा रहे हैं पाई बॉन्ड बन रहा है मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड टूट रहा है ये बॉन्ड टूट रहा है ये बनते हुए। दिख रहे हैं क्या दिख रहे हैं क्या ठीक है तो देखो हम क्या कहेंगे ध्यान से सुनो हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन सिंपल सी बात है अब एक्स और एच को हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ यही है ना बेटा

बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप हटाना है डबल बॉन्ड बनाना है और डबल बॉन्ड बन जाए जो बनेगा उसे ही हम एल्कीन बोलेंगे क्या समझ में आई बात तो इसमें भी इस हेलोजन पर चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बना है उस ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना है कौन सा कैरेक्टर है डबल बॉन्ड मतलब लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन जा रहा होगा डबल बॉन्ड बन रहा होगा दोनों गुड लिविंग ग्रुप होंगे तभी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बनेगा

बात समझ में तो अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं हुआ तो उस केस में प्रोडक्ट तो भी हम उसी से फिर डिसाइड करते हैं क्या समझ में आई बात तो इस रिएक्शन को डी क्यों बोला बीटा हाइड्रोजन को बेस खाएगा लिविंग ग्रुप जा रहा होगा डबल वन बन रहा होगा क्लियर है बेटा यहां पे चलिए अब अरे हाँ एक और बात

चलिए अब जरा देखिए ध्यान से रिएजेंट कैसे हैं स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जो वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल थे ना इधर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं ध्यान से देखिएगा इसका गेम बहुत ही तगड़ा है एल्कोहली के वे जहां भी आए आंख बंद करके इन सर ईटू करना है। और में क्या करना? बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे लिविंग ग्रुप बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप हटाएंगे डबल बुन बनाएंगे एल्कोहलिक केवे ध्यान से रखिए बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर एक तो एल्कोहलिक और एक आ जाता है सर दोनों को किस तरीके से डील करें समझ नहीं आ रहा है। जो है हमेशा एनएसआर की बात करेगा एल्कोहलिक केवेश की बात करेगा क्या समझ में आई बात क्लियर हुआ जो मैंने बोला यहाँ पे दो डिस्टिंग्विश किया मैंने एक्वास केवच हमेशा एनएसआर की बात करेगा एल्कोहलिक केवच हमेशा

अगर जारा सा भी में क्या बोलेगा? नहीं हो पाएगा उस कार्बन पे पहुंच ही अपन तो टू करेगा इसे बोलते टर्शरी क्या बोलते टर्शरी तो इसमें भी देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन था इंटरमीडिएट नहीं बना इसमें भी अल्काइल बेस रिएक्शन डिपेंड करता है ऑर्डर इसमें भी दो मॉलिक्यूल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए डबल बॉन्ड पे डिपेंड करती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट E2 का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है डबल बॉन्ड क्यों क्योंकि transition state में double bond character available है. Transition state में है है अपने को दिख रहा है. इस कारण से इस कारण से अपन जब भी E2 की रिएक्टिविटी की बात होगी डायरेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात होगी एल्कीन बनाएंगे जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्काइल एल्का की डीहाइड्रोहेलोजिनेट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी क्लियर है भाई चलिए अब यहां पे दो बातें लिखी गई हैं। सेटेफ जिसे हम जेटसेफ भी बोलते हैं और एक हॉपमेन एक बात बताओ बेटा ई टू रिएक्शन किए क्या होता है बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे लिविंग ग्रुप हटाएंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे मान लो बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा टाइप का हुआ बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा टाइप का हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एल्कीन एक से ज्यादा भी बन सकता है एल्कीन एक से ज्यादा भी बन सकता है समझ में आई बात तो देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है कहा है कि अगर मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड पे लगे हुए हैं डबल बॉन्ड कार्बन पर मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे हम सेट जेफ बोलेंगे क्या बोलेंगे सेट जेफ, तो ज्यादा एल्काइल लगेगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लगेगा ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लगेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब इनका कहना यह था कि भाई मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा उसे सेट जेफ एल्कीन के नाम से जाना जाएगा उसे सेट जेफ के नाम से जाना जाएगा और जो लेस स्टेबल होगा उसे हॉफमैन अल्किन के नाम से जाना जाएगा अभी भी मैंने मेजर माइनर की बात नहीं की है मेजर माइनर डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप अच्छा है कि नहीं लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और जो ज्यादा स्टेबल अल्किन होगा वही मेजर बनेगा लेकिन अगर अगर लिविंग ग्रुप पुअर है गुड लिविंग ग्रुप नहीं है गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो उस केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा आई बात समझ में तो उसमें प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आ सकता है बट उस पर बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो मुझे बताइए की बातें क्लियर, बाते क्लियर हुई बताओ टू से संबंधित सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं क्या आप बोलो जल्दी से बता दो सबका मैसेज अभी चाहिए जितने बच्चे बैठे फटाफट फट, सब लोग मुझे बताओ टू की सारी बातें क्लियर हैं जल्दी से बताओ भाई बोलो बोलो जल्दी बोलो करो ना ही तुम इंतजार क्लियर है बहुत बढ़िया चलिए चलिए ठीक तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट देखिए जरा ध्यान से द ईज ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एच और एक्स को हटाना है मतलब ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है E2 की बात कर रहा है तो मतलब कितने आसानी से एल्कोहलिक बोल रहा है के लिए, तो मुझे बताओ रिएक्शन के रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करोगेगा जो जितना स्टेबल, बनाएगा, जो जितना स्टेबल बनाएगा वो की डीहाइड्रोहेलोजिनेट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी मैं एक बता दे रहा हूं ध्यान से देखिए जैसे टू, टू मिथाइल प्रोपेन है तो पहले मैं प्रोपेन लिख दूंगा मतलब तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एन लगा दिया टू पर मिथाइल लगा दिया और फिर क्या बोला है टू क्लोरो अच्छा ले ये भी लगा दिया तो बताइए जहां लिविंग ग्रुप वहां अल्फा आजू बाजू बीटा वन, बीटा बीटावन बीटा बीटावन क्यों तीनों बीटा बीटावन क्यों है तीनों बीटा बीटावन क्योंकि सब तो सिमेट्रिकल कंडीशन पे है कहीं से भी एचा दो मान लो हमने यहां से ए हटाया तो यहां से लिविंग ग्रुप जाएगा तो डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा देखो और यहां पे छह अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे उसी तरीके से जब यहां से बनाओगे तो तीन हाइड्रोजन मिलेंगे और यहां से एक तो तुम बताओ मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दे रहा है थर्ड ऑप्शन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म पर बेस्ड है देखिए फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस यहाँ पर देखिए इसको पहले बना लो अच्छे से है ना खटाक से बना लो ऐसे सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री यहाँ पे हेलोजन और इसने अगर लिखा है भाई साहब तू तो ई टू वाला है ई टू वाला है ई टू वाला, वाला है मतलब कि मतलब कि अल्फा ये है बीटा वन ये है बीटा टू ये है दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे बीटा वन हटेगा एक्स हटेगा डबल वन बनेगा बीटा टू हटेगा एक्स हटेगा डबल वन बनेगा दो एल्किन बन भी रहे हैं क्या बात है लेकिन सर ये स्टेबल है और ये यह लेस स्टेबल है तो सर मेजर ये बनेगा मैंने बोला था मेजर माइनर की बात मेजर मतलब क्वांटिटी में ज्यादा कौन बनेगा वो लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप डिसाइड करेगा अगर ये अच्छा है तो मेजर यही बनेगा लेकिन ये अच्छा नहीं है तो कुछ और बनेगा वो बातें जानने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट मुझे बताइए क्या डोमिनेट ये रहेगा ये रहेगा इक्वल अमाउंट में रहेगा या ये रहेगा बता क्या एकदम धांसू तरीके से E2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बता दे मेरे को E2 क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बता दे फटाफट बता मेरे को मैसेज करके क्योंकि अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं E2 के भाई बता दे बता दे आज ही बता दे अरे अब तो बता दे क्लियर मानू क्लियर बेटा फटाफट बताइए क्लियर है सबका मिस माही क्लियर है भूमि सही आंसर दी है हाँ भाई बाकी सब भी बोल दो जो एक आध बच्चे बैठे हैं साक्षी प्रिया फोर सही है समझ में आ गया क्या आपको हम्म समझ में आ गया क्या यप 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 यप, यप, यप। ओके आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं डिनर से पहले सारा निपटा देना है चलो ये देखिए ये अल्कोहलिक क्या बोलता है ईटू और हमें पता है ये एंटी एलिमिनेशन होता है तो देखो इस बार स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज किया है अब मुझे बताओ कि लिविंग ग्रुप जहां ये अल्फा ये है बीटा वन और ये है बीटा टू मुझे बताओ बी लिविंग ग्रुप तो हटेगा कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटेगा बीटा वन या बीटा टू 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 बेटा नहीं बीटा बीटा वन या बीटा टू जल्दी अरे जल्दी 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 हाँ देखिए ब्रोमीन है वेज पे ब्रोमीन है वेज पे मतलब बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए कहां होना चाहिए डैश पे अब यहां पर जो है डैश पे तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं मिथाइल तो हाइड्रोजन यहां पे जो बैठा हुआ है ना वो बोलेगा भाई देखो मैं तो डैश पे हूं नहीं तुम एक काम करो बीटा वन बीटा वन वाले एच को उड़ा दो क्यों क्योंकि मेरा जो हाइड्रोजन है वो वेज पे बैठा है और दोनों तुम सेम डायरेक्शन में हो जाओगे और ई जो है वो एंटी एल्यूमिनेशन करता है बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट इसको वहीं रहने दो और इस हाइड्रोजन को उड़ा दो तो डबल वन यहां बन जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक क्लियर तो का भी हो गया स्वाहा अब आपके हैं और एलिमिनेशन के पे फटाफट जल्दी जल्दी बनाते जाओ है है ना चलो की बात हो रही है। देखो कैसे मैं सोचता हूँ तो सबसे पहले एनएसआर और एलिमिनेशन बताओ मेरे को KOH -H2O, ये तो NSR देने के लिए ही बैठा है ठीक लेकिन ये देखो ये टू डिग्री एलकाइलेट है बट ब्यूटोक्साइड बल्कि बेस है और बल्कि बेस है अगर बल्कि बेस या बल्कि न्यूक्लोफाइल है तो होना तो चाहिए था एसेन टू बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस कन्वर्टेड इन टू ई टू बोल देंगे सर ई टू से प्रोडक्ट बनेगा क्लियर है एल कोहली के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि हम तो ई टू वाले हैं सनम अगर एन एन एस की बात करिए स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज गिव ई टू रिएक्शन मतलब सिर्फ एन एस आर यही देगा और कोई देने वाला नहीं है क्लियर है क्लियर है कौन सा लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ भाई पूरा एल्कोहली एन एन एच टू स्ट्रॉन्ग बेस्ट स्ट्रॉग बेस्ट एंड दिस इज टू डिग्री ब्यूटोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल तो है सही बात है लेकिन बल्कि ज्यादा है एस एन टू बोलता है हम भाई स्टेरिक हिंडन से डरने वाले इंसान है ऊपर से इधर भी टू डिग्री इसलिए ये में कन्वर्ट हुआ चलिए अब देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट एस एन वन एस एन टू पे समझना इसको चलो प्रो बाद में कर लेंगे ध्यान से ध्यान से देखना बेटा है ना इसको ध्यान से देखना बहुत ही अच्छे हैं रिएक्शन पर तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए कैसे रिएक्टेंट दे देगा ध्यान से देखना रिएक्टेंट दे, दे देगा और बोलेगा प्रोडक्ट बताओ दूसरा क्या बोलेगा रिएक्टेंट पूछ लेगा बोलेगा प्रोडक्ट बताओ ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्या बोलेगा हम ए और बी सब दे दिए रिएक्टेंट भी दे दिए प्रोडक्ट भी दे दिए अब इस दिए हुए रिएक्शन के बेसिस पे कुछ बातें पूछे हैं वो बताओ नहीं समझे समझे कि नहीं समझ में आया जो मैंने बोला बोलो समझ में आया जो मैंने बोला जो मैंने बोला समझ में आया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे देगा प्रोडक्ट पूछेगा प्रोडक्ट दे देगा रिएक्टेंट पूछेगा अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दे के पूछेगा बताओ भाई रिएक्शन को देख लो उस भी बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो ठीक है तो देखो इसमें क्या है रिएक्शन कंप्लीटेड है देखो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट सब कुछ दिया हुआ है देखो दोनों दे दिया है अब पूछा है इसका आंसर दो बहुत सारे बच्चे गलत किए थे बहुत सारे क्यों समझना ध्यान से H2O एंड आर ओ एच

ये थ्री डिग्री था ये क्या एस एन वन होता तो ये ब्रोमीन हट के क्या ये यही लगता कि इस कार्बन पे लगता सोच के देखो तो तुम्हें पता चलता कि सर अगर ये एस एन वन से कंप्लीट होता ना अगर ये एस एन वन से कंप्लीट होता तो यहां आना चाहिए था मतलब रिएक्शन तो एस एन टू से कंप्लीट करा दिया धोखा हो गया हमारे साथ हाँ यही धोखा तो खेला था गेम यही गेम था एग्जाम यही गेम था बेटा यही इंपॉर्टेंट है समझ में आई बात यही इंपॉर्टेंट बात है यही बच्चों को लगा एसन वन नहीं प्रोडक्ट देखो भाई सेम इसमें भी देखो प्रोडक्ट सेम वही है।, टू बेटा। के ये हुआ बेटा? है समझ में आ रही बात कि आपको पूरा रिएक्शन देख के आंसर देना है ऐसा नहीं कि भाई देख लिया हमने हाँ देख लिया क्या देख लिया ए, भाई आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन में क्या पूछा बोल रहा है कंसीडर कर लो ऐसे कर लो ऐसे नहीं समझे ठीक समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर चलिए ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन देखो एल्को एक्वा से है एन एस आर करेंगे एनएसआर एनएसआर में सी एल हटाओ एच OH लगाओ ठीक यहां पे एल्कोहलिक है तो ई टू कर दो तो यहां पे एल्कीन बनेगा यहां पर एल्कोहल बनेगा अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा बाकी तुम खुद से देख लोगे देख लोगे क्या बताओ जल्दी से बस जल्दी बताओ क्या मैं इतना छोड़ दूंगा तो क्या तुम बाकी की चीजें कर लोगे हिंट कर दूंगा तो जल्दी बोलो सब लोग बोल दो भाई जल्दी से कर लोगे चलिए ठीक अब आइए इधर रिएक्शन ऑफ़ द रिएजेंट देखो बेटा जब हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को और एसीटोन ड्राई एसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होता है ठीक है इसमें अगर ध्यान से देखो तो एलकाइल यानएक्शन एलकाइल बनाने के लिए फेमस है

एलकाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एलकाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ठीक है बेटा क्लियर है तो स्वार्ट्स रिएक्शन ये नाम याद करने के लिए मैंने आपको दे दिया था ताकि आपको नाम याद रहे है ना मेटालिक फ्लोराइड यूज करेंगे के साथ तो ये ये भी एक टाइप का एक्सचेंज रिएक्शन है ये दोनों के दोनों कैसे रिएक्शन है हेलोजन है? एक्सचेंज रिएक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन ने एक्सचेंज कर लिया है बस इतनी सी बातें हैं नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया अच्छा अमोनिया लिखो पहले अमोनिया जो बोला वैसे लिख लो ना विथ एक्सेस इथाइल क्या होता है सी एस थ्री सी एच टू सी एल और रिएक्शन आप सोचो एल्इल हेलाइट को देखा तो दिमाग में क्या आया एनएसआर आया एनएसआर आया एनएसआर आया बहुत अच्छी बात एलिमिनेशन भी है बहुत अच्छी बात ये देखिए अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ दैट इट विल गिव एस एन टू रिएक्शन एसन टू में क्या होगा ये अटैक करेगा और सी एल यहां से जाएगा अगर ये यह यहां से जाएगा तो सी एस थ्री सी एच टू और यहां पे क्या आ जाएगा एन एच टू क्या समझ में आई बात लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई साहब रुको यहीं पे मत रुको यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है वो एक्स्ट्रा है एक्सेस में है तो ये न्यूक्लियोफाइल अगेन इससे रिएक्शन करके इसको बाहर कर देगा तो बेटा ये जब बाहर जाएगा तब देखो सुनो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था इसने अटैक किया इस पे पॉजिटिव आया तो एच यहां से निकल जाएगा H निकलेगा तो CH3 CH2 यहां NH और यहां पे फिर से वही आ जाएगा CH2 CH3 तो बताओ यहां पर 1 डिग्री था यहां पे टू डिग्री बनेगा ये बार बार रिएक्शन होगी थ्री डिग्री और लास्ट कहा जाके रुकेगी अमोनियम पे इथाइल अमोनियम क्लोराइड पे रुकेगी क्या समझ में आई बात सारे हाइड्रोजन जो हैं वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और साथ ही साथ जब लास्ट में एक लोन पेयर बचेगा तो उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी और इसी रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस के नाम से जानते हैं जो आपके अमाइन चैप्टर में आगे दिखेगा ठीक है चलिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी रिएक्शन जरा इसको देख लो समझो और मेरे को बताओ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है देखो मुझे क्या लगता है कि देखो कि देखो ये तो है है वो बात सही है. और ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल है ध्यान से समझना ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल तो एन एस आर तो होने वाला है ठीक एन एस आर तो होगा और एन एस आर में क्या होगा एस एन टू होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है अगर एस एन टू हो रहा है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि E2 भी हो जाए तो एल्काइल हलाइड में अगर देखें तो एक ही कार्बन है और E2 होने के लिए बीटा हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं तो अगर यहां बहुत बड़ा पहाड़ भी आ जाए ना बहुत बुरे दुनिया भी आ जाए तो भी ये SN2 से ही कंप्लीट होगा E2 से नहीं होगा क्योंकि एलकाइल हेलाइट के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है और ये बच्चा नहीं समझता है। बच्चा को क्या लगता है ओ बल्कि E2 बल्कि अरे भाई बल्कि है सही बात है लेकिन अल्काइल के पास बीटा हाइड्रोजन तो रखो रखो वही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी क्या समझ में आई बात ये तो वही ये देखिए प्रोडक्ट में तो यही बनेगा और एस एन टू रिएक्शन आगे बढ़ेगी ठीक समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन बोलो जल्दी से हाँ भाई जल्दी बताओ ये समझ में आया कि नहीं बोलो बोलो क्लियर हुआ क्लियर आगे बढ़े चलिए हाँ देखिए अब इसमें है सोचिए अब मान लीजिए कि किसी एल्काइल हेलाइट और एल्कोक्साइड से इसने ईथर बना दिया है ना ये ईथर चैप्टर में ये क्वेश्चन है इस टाइप का एक ईथर इसने बना ही दिया जिसे हम एल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसे हम विलियमसन ईथर रिएक्शन बोलते हैं विलियमसन ईथर है ना जो SN2 से कंप्लीट होती है आप बस मुझे ये बताइए अगर ये ऐसा बन गया तो हम एल्काइल हैलाइड

कैसा हो न के बराबर हो देखो भैया बेटा यहां रिएक्शन यहां पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो तो मिथाइल ब्रोमाइड सी एस थ्री बी आर ये है लिविंग रूप से जुड़ा कर्बन एल्फा बीटा कहाँ है बीटा रहता तब तो E2 होता चलो यहां पे समझ में आया जो मैंने क्यों पूछा यहां पर अगर मुझे ये इथर बनाना है तो इसके लिए बेस्ट एल्काइल हेलाइट मुझे मिथाइल के साइड लेना पड़ेगा बेटा ताकि यह नहीं देगा क्योंकि मिथाइल सिर्फ SN2 दे सकता है मिथाइल सिर्फ SN2 दे सकता है E2 नहीं दे सकता अगर हमने इधर एल्काइल हैलाइड लगा दिया तो बेटा थ्री डिग्री बन जाएगा जो कि E2 देता SN2 नहीं देता ठीक है चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है हेलोल कैन रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म सेनाइड एज अ मेजर वाइल एजीसीएन फॉर्म आइसोसाइनाइड बेटा ये मैंने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले आपको याद होगा एन एस क्यू बनता है वो इसलिए बनता है ताकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बन पे याद करो ये एम्बिडेंट न्यूक्लोफाइल है ये जाके ही इस पर अटैक करता है क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग होता है साथ ही साथ डोनर एटम कार्बन जिसकी ईएन कम है डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है लेकिन अगर हम यही एजी सी एन ले लेंगे तो देयर इज अ कोवेलेंट बिटवीन कार्बन एंड एजी सो डोनर एटम विल बी नाइट्रोजन और अगर नाइट्रोजन सिर्फ डोनर एटम है तो यहां आइसोसाइनाइड बनता है ठीक है बेटा ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी ठीक चलिए तो यहां पर एक क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है देखो पहले तो समझो ब्यूटेन नाइट्राइल बेटा इसे कहते हैं अब बताओ ये किससे बनेगा बताओ बताओ तो जाने बताओ जल्दी से ब्यूटेन नाइट्राइल किससे बनेगा बोलो भाई सोच के बताओ भाई फोर्थ ऑप्शन चलिए देखिए मैं कैसे सोचता हूँ प्रोपाइल है देखो प्रोपाइल में तीन कार्बन और इसमें एक कार्बन चार कार्बन टोटल उसमें भी चार कार्बन ब्यूटाइल में चार कार्बन इसमें एक कार्बन टोटल पांच कार्बन बोलोगे बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा है क्या बोलेंगे यही बोलेंगे ना तुमसे ना हो पाएगा फिर बोलेंगे ब्यूटाइल में चार कार्बन इसमें एक कार्बन टोटल पांच कार्बन नहीं उसमें तो चार ही चाहिए तीन और चार मतलब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा अब अगर मैं देखूं तो प्रोपाइल अल्कोहल तो प्रोपाइल एल्कोहल के साथ केसी अब मुझे एक बात पता है इसे लिखने में तो मस्त मजा आता है लेकिन यह गलत है क्योंकि हमने पढ़ा वो इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप और इसको एच प्लस दे के कोई बाहर लेके जाने वाला है नहीं इसलिए ये गलत है और यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड अगर लेते तो क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप होते हैं तो ये बोलेगा हम तो भाई ठीक है अटैक करके इसको बाहर कर देंगे और आराम से यह बना लेंगे बढ़िया क्वेश्चन था ये ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए अच्छी बात है हाँ देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे अरे क्या बात है पूरा, बढ़िया देखो इन द रिएक्शन, देखो दिस इज टर्मिनल अल्काइन टर्मिनल अल्काइन के पास होता है एसिडिक

क्या बन गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर आ गया सी एच टू सी एच थ्री क्या समझ में आई बात बेटा बताओ कि एक हाइड्रोजन को हटाया NH2 ने, लाया टू ने एलकाइल पर्यटक किया तो एक साथ आ गया सेम बात को रिपीट कर दो ये हटेगा और ये वाला पार्ट इधर आके लग जाएगा बना लोगे क्या बोलो बना लोगे वन ब्यूटाइन एंड टू हेक्साइन क्या बात है क्लियर बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिए एन एच है एन ए प्लस है एच माइनस है तो नेगेटिव इसके एच को खा लेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता था और बेस भी हो सकता था लेकिन अगर देखिए तो यहां एसिडिक हाइड्रोजन है अगर यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है तो नेगेटिव एच को खाएगा ओ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव आ गया तो देखो ध्यान से ये सोडियम एल्कोक्साइड है दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल एंड दिस इज एल्काइल हेलाइट सो इट विल गिव एस रिएक्शन और ये एल्काइल हेलाइट में स्टेरिक हिंडेंस नहीं है बिकॉज इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना हमेशा तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर करेगा जहां अटैक हो रहा है वहां स्टेरिक स्टेरिखेंडस चेक करो पहले कि बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं नहीं है तो ईथर बन गया तो इसी को हम बोलते हैं विलियमसन विलियमसन ईथर ईथर रिएक्शन क्या होता है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर बन रहा है जैसा नाम है एलकाइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड

डोनर एटम देखो पहले तो अगर डोनर एटम एक ही पीरियड के एलिमेंट है ध्यान से सुनिएगा जैसे और फ्लोरिन माइनस हो गया ठीक है, OH है सेम पीरियड के एलिमेंट है तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी ना बेटा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि सारे के सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनके साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है लेकिन अगर तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा तो हम यहां ई एन से नहीं बात करते कभी भी हम साइज में ई एन डील नहीं करते ध्यान रखिएगा है ना तो बेटा यहां पर सोलवेंट पे डिपेंड करेगी चीजें है ना सॉल्वेंट पे कुछ नहीं दिया है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानेंगे और दे दिया तो फिर वैसा ही करेंगे तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट याद करो के को भी घेरेगा, को भी घेरेगा, के को भी घेरेगा पे उसको भी घेरेगा बस बात यह है कि छोटे साइज पे नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उनको अपनी ओर खींचेगा खींचेगा तो बहुत ज्यादा सोलवेशन हो जाएगा समझ में बात साइज बड़ा हो जाएगा स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी अटैक करने की टेंडेंसी खत्म देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर बोलते हैं ना चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि पानी उसको खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के अपना साइज को हाइड्रोजन साइज को क्या कर लेगा बड़ा कर लेगा आयोडीन माइनस भी खींचेगा लेकिन बोलेगा यार आपने वो पावर ही नहीं है मेरा साइज इतना बड़ा है कि मेरा जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो रखा है मैं वाटर मोलिकूल को अट्रैक्ट कर सकता हूँ लेकिन उस कैपेबिलिटी से नहीं जितना फ्लोरिंग करेगा तो मुझे बताइए ज्यादा साइज आफ्टर सोलवेशन या हाइड्रेशन वाटर ले रहे हैं तो किसका ज्यादा होगा क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है तो अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर की बात करें तो I माइनस का सबसे ज्यादा होगा देन बी आर माइनस हो जाएगा देन सी एल माइनस हो जाएगा देन एफ माइनस होगा क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एफ को तो घेर ले रहा है अगर हम पोलर एप्रोटिक लेते हैं ये एन के साथ कुछ करता ही नहीं बोला तुम अब जियो अपनी जिंदगी

कि कुछ नहीं दिया है तो पीपीएस कंसिडर करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है सबसे पहले साइज वाले को देख लो जिसका साइज बड़ा ज्यादा क्योंकि उसका सोलन होगा नहीं और अगर साइज लगभग सेम है एक ही पीरियड से तो फिर EN से चेक कर लो आया समझ तो अब इस क्वेश्चन को दोनों को आप आराम से बना सकते हैं दोनों को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है न्यूक्लियो का पार्ट अब एक क्वेश्चन यहां पर है बेटा देखो ऑप्टिकल आइसोमर का है है ना ऑप्टिकल आइसोमर का है ध्यान से देखिए आप ऑप्टिकल आइसोमर को देखिए तो आपको क्लियर होंगे कि आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मोलिक्यूल्स याद है बेटा देखो कितना आसान दिया है ठीक है देखो कायरल कार्बन अलग है कायरल मॉलिक्यूल अलग है यहाँ कायरल मॉलिक्यूल पूछ रहा है और हमें पता है कि कायरल सेंटर से कैसे डील करना है ठीक है अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही ऑप्टिकली तो एक्टिव, तो एक्टिव है पॉसकॉस एबसेंट होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ कायरल सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता है पॉसकॉस का लेकिन ये भी बात कंफर्म है कि सिर्फ अगर एक ही कायरल कार्बन है तो पोस्कोस में क्या होगा एबसेंट होगा सेकेंड में देखिए तो यहां पर भी एक काइरल सेंटर अपने को दिख रहा होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे एक ही काइरल सेंटर है सेकेंड वाले में एक भी काइरल सेंटर नहीं है तो बेटा आपने दो केस पढ़े होंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल वाले और एक एलिंस वाले तो वो दो केस ऐसे हैं जिसमें बिना काइरल कार्बन के भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाता है और ये दोनों है नहीं और ये देखो दोनों पार्ट सेम हो गए तो काइरल सेंटर है नहीं इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव तो सोचा था एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ ऑप्टिकल आइसोमर का जिससे आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए ठीक अब देखिए sn2 मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है है ना sn2 रिएक्शन के साथ ये कंप्लीट हो रही है ठीक साजिद खान अभी बोल रहा है नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन कब होगा पहले ये पढ़ ले कदा ठीक है sn2 सब्स्टिट्यूशन sn2 की बात हो रही है और ये रिएक्शन हो गई तो बता बता रहा है कि रियल रिलेटिव रेट सबसे ज्यादा किस में होगा अब हमें पता है कि एसेंटू करने के लिए ये अल्काइल छोटा होना चाहिए सबसे छोटा देख लो किस में स्टेरिक हिंड्रेंस है वही इसका आंसर हो जाएगा और आंसर देख के क्लियर है कि थर्ड वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है क्योंकि ये भी वन डिग्री है लेकिन ये भी वन डिग्री है बट इन दोनों में भी यही छोटा है नहीं समझे क्लियर हो गया बेटा चलिए अब आते हैं मेटल के साथ रिएक्शन देखिए मेटल के साथ रिएक्शन की बात करें तो जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई ड्राईर में रिएक्शन करता है तो बेटा ग्रीनाट रिएजेंट बनता है क्या बनता है रिएजेंट जिसमें कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है बेटा वो वही लिखा है कि कोवलेंट नेचर का तो होता है लेकिन हाईली पोलर होता है क्यों हाईली पोलर होता है क्योंकि यहां पर कार्बन जो है वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा हद तक खींच के रखता है मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव वेयर इज कार्बन इज ए

तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा कौन सा हाइड्रोजन नाइट्रोजन या हेलोजन इन सब से जुड़ा कोई हाइड्रोजन है तो ये नेगेटिव उस के बेस बन जाएगा और इसके एच को खाके आरएच बना लेगा NCRT भी यही लिखती है कि ग्रीनर्ड रिएजेंट जो है वाटर के साथ अमाइन के साथ रिएक्शन करके बनाता है मतलब एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है क्या समझ में आई बात क्लियर हो गया आर एच का फॉर्मेशन कर देता है एलकेन बना देता है तो ग्रीना ड्रेजेंट हमेशा दिमाग में रखिएगा वो बेस भी बन सकता है न्यूक्लोफाइल भी बेस कब बन रहा है जब वहां पर एसिडिक एच है अगर एसिडिक एच नहीं है तो न्यूक्लियो बन जाएगा और न्यूक्लियो के रिएक्शन आपने सुन रखी होगी थोड़ा बहुत रिलेट कर देता हूं कि या तो आपने एनएसआर के बारे में सुना होगा या तो एनएआर के बारे में सुना होगा एन कौन देता है पोलर पाइबोन जिनके पास लिविंग ग्रुप नहीं है एनएसआर कौन देते हैं जिनके पास लिविंग ग्रुप होता है इसमें भी अगर आपके सिलेबस में देखें तो एस एन वन एस एन टू पढ़ना है जो कि मैंने आज पढ़ा दिया है एस एन ए आर जो है एराइल है और एस एन ए ये पढ़ना तो पांच टाइप के टोटल न्यूक्लोफाइल से रिएक्शन आ जाते हैं एस एन वन एस एन टू एस एन ए आर एस एन एंड एन ए आर और अगर एसिडिक हैच है तो उस केस में ग्रिगनाट रिएजेंट कैसा काम करेगा बेस के जैसा काम करेगा और एच एसिडिक एच को रिमूव करेगा ठीक है बेटा चलिए अब आते हैं वर्ड्स रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है देखिए एल्काइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम की रिएक्शन होती है

इसमें दो मैकेनिज्म मैकेनिज्म है बेटा आयोनिक भी इसमें हो सकता है साथ ही साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी इसमें हो सकता है इसका अप्रोच लिख लो सब लोग बोल रहा हूं हेलोजन हटा दो रेडिकल बना दो हेलोजन हटा दो रेडिकल बना दो और दूसरे वाले रेडिकल से जोड़ दो यही बनता है इसमें क्या समझ में आई बात इसका तरीका क्या है अगर अल्काइट ने सोडियम को देखा तो इज रिएक्शन होगा हेलोजन हटाइए रेडिकल बनाइए और दूसरे रेडिकल से चिपका दीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बेटा टू डिफरेंट टाइप्स के अल्का हेलाइट अगर अगर टू डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल आ गए तो इस केस में दो टाइप के रेडिकल बनेंगे आर वन रेडिकल भी बन जाएगा और आर टू रेडिकल भी बन जाएगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कंबाइन तो आर वन हो सकता है कुछ किसी और ए आर वन से कंबाइन हो जाए एक कंपाउंड ये बनेगा आर टू किसी और आर टू से हो सकता है आर वन किसी और आर टू से हो सकता है तो देर तो तो आर थ्री टाइप्स के एल्केन यहाँ पे बन सकते हैं अगर हम टू डिफरेंट अल्काइल अल्काइट लेते हैं तो बेटा अगर हम टू डिफरेंट एल्काइल हेलाइट लेंगे ना तो तीन बन जाएंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसपास होता है तो अपन इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे इसलिए वर्ड्स रिएक्शन हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपेयर प्रिपरेशन के लिए ही वैलिड होता है क्या समझ में आई बात ये तो पहली बात पहचानने का तरीका क्लियर हो गया है दूसरा ये कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं तो पहले मैं अल्काइल हैलाइड की बातें कर दूं चलो बताओ आज के बाद एलकाइल हैलाइड दिखेगा तो क्या क्या सोचोगे फिर से बोलो क्या एस एन वन बोलोगे एस एन टू बोलोगे और जब एस एन टू बोलोगे तब ई टू भी सोचोगे ये क्लियर है एस एन वन एस एन टू टू एस एन वन वीक निकलो फाइल एस एन टू स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल स्ट्रॉन्ग निकलो फाइल होगा वही ई टू भी दे सकेगा ठीक उसके बाद उसके बाद क्या रिडक्शन हमने देख लिया है बेटा रिडक्शन देखने के बाद हमने क्या देख लिया है वर्ड्स रिएक्शन देख लिया कि अगर हैलाइड ने सोडियम को देखा तो वर्ड्स रिएक्शन मैग्नीशियम को देखा तो ग्रिगनाट रिएजेंट बनता है तो ये बातें अभी अल्काइल हेलाइट की हमने पढ़ी है कि ये अल्काइल हेलाइट देखा तो इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट इज हेलो अरिंस ठीक है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ध्यान से देखेंगे हेलो अरिंस अल्काइल हेलाइट कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं बेटा हेलो पे क्या आप तैयार हैं या आप थक चुके हैं क्या आप तैयार हैं या आप थक चुके हैं बोलो तैयार हो।, हो क्या तुम तैयार हो क्या तुम तैयार हो तैयार हैं कोरे हाउस नहीं है साक्षी बेटा अपने उसमें एनसीईआरटी में नहीं है चलिए तैयार हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं हेलो रिंस की बात करने वाले हैं ठीक है देखो बेटा हेलो रिंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की बात कर लेंगे तो रिएक्शन पे आएंगे देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अच्छा हाँ देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूट देखो बेटा ध्यान सुनो हमें क्या बनाना है बेटा समझना ध्यान से हेलोरिंस, हेलोरिंस याद आ रहा बेटा से डायरेक्टली अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन ले सकते हैं और ई एस आर करा सकते हैं याद आ रहा होगा आपको ई एस आर याद करो सी एल टू के साथ एनहाइड्रस अगर हम ए एल सी एल थ्री अगर ले लें तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्लोरो बन जाएगा याद करो याद आ रहा है बेटा तो बेंजीन पर अगर कुछ लगाना है बेंजीन पे कभी भी कुछ लगाना है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए ईएसआर अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है या आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं तो आप ईएसआर सो सकते हैं लुइस एसिड क्या करता है टू को पोलराइज़ कर देता है क्या करता है पोलराइज़ कर देता है क्योंकि ये लोन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन को देगा ये एसिड है ये बेस कीसा बिहेव करेगा और Cl फाइनली यहां पर कुछ इस तरीके से टूट जाता है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल याद आ रहा है क्या इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आयन होंगे ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं बट फ्लोरिनेशन बहुत रिएक्टिव होता है नहीं करते आयोडिनेशन करेंगे तो बेटा यहाँ आयोडोबेंजिन तो बनेगा लेकिन साथ में एच आई बन जाएगा और एच आई जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट है तो परेशान करेगा इसीलिए हम क्लोरो क्लोरोबेंजिन और ब्रोमो ब्रोमोबेंजिन तो इसे बना लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन से लेकिन आजकल पता है ऐसे एग्जाम में दे देता है सी एल टू के साथ एफी तो ये दे दिए तो क्या डरना है दे दी तो बच्चा समझ जाता सर लुइस एसिड है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा लुइस एसिड है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा बच्चा बच्चा को पता है लेकिन यही सीएल टू के साथ अगर एफ दे, दे दे तो बच्चा नहीं परेशान हो जाता सर ये क्या दे दिया क्योंकि देखो बेटा एफ ई के साथ डायरेक्ट अगर हम उसमें मिलाएंगे तो एफ सीएल टू से एफिसियल थ्री बनेगा ये एफिसियल थ्री ए सी एल टू को पोलराइज करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ये सर हो जाएगा ठीक है समझ में आई बात यह क्लियर है चलिए हाइड्रोकार्बन से जब बना लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्या है सेंडमेयर्स रिएक्शन देखिए सेंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है याद कीजिए हालांकि इसको अमाइन चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन देखिए जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्या होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जब एनएच को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ देते हैं तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कह लेता है अब इसकी रिएक्शन जब हम एन और एस के साथ करा दें, देचर है ना बेटा तो यहां पर डायजोनियम सोल्ट एग्जिस्ट करता है ठीक है डायजोनियम सोल्ट बन गया अब उसके बाद यहां पर आप जिसको लगा सकते हैं लगाइए बेंजीन पे कुछ लगाना है तो या तो ई एस के साथ या तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाइए और उसके बाद रिएक्शन कराते जाइए सी यू सी एल टू एस सी एल ले लीजिए तो बन जाएगा याद ले ले तो आ रहा है और अगर यहीं पर आप सी टू बी आर टू के साथ लिविंग ग्रुप एस सी एल ही सी एल माइनस आएगा इसको अटैक करके बाहर कर देगा तो क्लोरो बनेगा साथ में एन टू गैस बन जाएगा क्या समझ में आई बात तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आज के बाद बेंजिन पर कुछ लगाना हो है ना बेंजिन पे कुछ भी लगाना हो तो अपने दिमाग में एक बात रखिएगा एक तो ई एस आर के थ्रू कर सकते हैं बेंजिन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे और दूसरा किसी तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट बना लो और रिएक्शन आगे बढ़ा दो बट बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं कि बेटा के आई लेते हैं सिंपली के आई लेके डाइजोनियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आपको आइडो बेन्जिन मिल जाता है इसके लिए आपको एच आई लेने की जरूरत या कॉपर लेने की जरूरत नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा क्योंकि एच आई ले, ले लेंगे तो फिर से रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा क्लियर हुआ बेटा ये तो यहां पर हम हेलोरिन इस तरीके से बना सकते हैं नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ अराइल हेलाइट पे है ना अराइल हेलाइट की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ठीक है बेटा अराइल हेलाइट की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ठीक चलिए एराइल हेलाइट की रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं देखिए, अगर हम एराइल हेलाइट की रिएक्शन की बात करें तो देखो बेटा हम कैसे सोचते हैं समझना अच्छे से बिकॉज ऑफ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और यहां पे क्लोरीन का लोन पेयर जो है वो रेजुनेंस में है तो बेटा एनएसआर देने में तो नाटक करेगा तो इसके लिए एन पढ़ते तो है लेकिन एनएसआर में एक स्पेशल नाम से एक रिएक्शन आता है एस अगर कोई बोले एस एन वन एस एन टू तो नहीं देगा है ना एस एन वन एस एन टू नहीं देगा क्योंकि हमें पता है एस एन वन में क्या है स्टेबल चाहिए कार्बोटे स्टेबल बनेगा नहीं डबल वोट पे पॉजिटिव बन जाएगा एस एन टू में न्यूक्लोफाइल बैक साइड से आ रहा होगा बैक साइड से पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाएगा दोनों कारण बता रखा है ठीक है तो ये एस देता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता है हाई टेम्परेचर प्रेशर में देता है ठीक तो अगर अराइल लाइट किसी न्यूक्लोफाइल को देखे तो एन एस आर दे सकता है बिकॉज इट हैव लिविंग ग्रुप ठीक है बट इन स्पेशल कंडीशन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल दिखाएं तो ये ई एस आर दे सकता है कैसे ई एस देगा कि इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है तो ई एस हो जाएगा इसमें बहुत सारे रिएक्शन आती है नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन सुना होगा आपने फिर अगर हम बात करें सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाए किसके साथ सोडियम के साथ तो बेटा ये फिटिक रिएक्शन नाम से आ जाता है फिटिक रिएक्शन और अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दें तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने वाली रिएक्शन तो सेम तो देखो ने सोडियम को देखा, तो हुआ। लेकिन दोनों मिल जाएंगे तब, तब क्या होगा एल्काइल दोनों मिल गए तो कर दो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन दोनों भाइयों के नाम पे हो गई कहानी नहीं समझे क्लियर है बेटा चलिए बहुत अच्छी बात है तो अब यहां पर यही रिएक्शन को हम देख लेते हैं देखिए सबसे पहली बात एराइल आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव रिएक्शन ये नीचे दिए हुए पॉइंट्स एनसीआरटी के हैं लेकिन अब तक मैंने बहुत बार बता दिया है ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एराइल हेलाइट जो होते हैं एराइल जो होते हैं उसमें कार्बन क्लोरीन में रेजोनेंस हो रहा होता है जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है और उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाता है और स्ट्रोंग होने से लीव करने की टेंडेंसी कम हो जाती है इसीलिए काफी कम रिएक्टिव होते हैं दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रेशन ऑफ कार्बन सी एक्स देखिए हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी वो क्लोरीन से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आसानी से टूटेगा नहीं तो एक रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर दिया एक परसेंटेज एस करेक्टर से कर दिया अब अगर कोई पूछे ये एस एन वन क्यों नहीं देता है तो भाई हमें तो कार्बो के से मतलब है हमें तो एस एन वन किसी से भी करा दो हमें क्या मतलब है लिविंग ग्रुप हटाएंगे कार्बोट बनाएंगे लेकिन जो फिनाइल के टाइम आता है वो अनस्टेबल होता है डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव जो बनेगा रिंग में वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है अगर कोई पूछे एस एन टू क्यों नहीं होता है तो भाई हम तो एस एन टू करवा दें न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक कर देंगे करा देंगे यहाँ पर अटैक लेकिन इसके पाई इलेक्ट्रॉन उसी से लड़ने लगेंगे रिपल्शन होने लगेगा याद आ रहा है तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं इसलिए ये पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है क्या समझ में आई बात ये क्लियर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एस एन ये होती क्या है एस एन एआरशन देखिए देखा न्यूक्लियो के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करेगा बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बेटा बनाता है क्या अगर सिर्फ, अगर सिर्फ सिर्फ पे वन के साथ रिएक्शन कर एंड हाई बेटाचर प्रेशर के साथ हम रिएक्शन कर दे बेटा तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम फिनोक्साइड बनता है ध्यान रखिएगा इस बात का और जब हम सोडियम फिनोक्साइड में H प्लस मिलाते हैं तब जाके फिनोल बनता है ठीक है बेटा ऐसे नार में जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा वो कार्बन आयन बनेगा क्या बनेगा कार्बन आयन कार्बन आयन कैसे बनेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा टूट के नेगेटिव बन जाएगा अब आप मुझे बताइए एराइल हैलाइड अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है एस एन एर हो रहा है इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना रहा है तो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विथ ग्रुप बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे बताइए इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे इसकी रिएक्टिविटी तो बताइए एराइल हेलाइड ने न्यूक्लोफाइल को देखा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो एसएनआर किया प्रोडक्ट में सोडियम फिनोक्साइड बनेगा बेटा और सोडियम फिनोक्साइड के बाद अगर हम एसिडिफिकेशन करेंगे तब जाके फिनोल मिलता है बताइए क्या ये बात क्लियर है बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप बोलो साक्षी प्रिया कहती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विद दोनों बोल दी तुम हां बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा देखिए जैसा कि हमें पता है कि एनआईन को स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन ग्रुप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगाओगे बेटा टेम्परेचर कम लगेगा प्रेशर कम लगेगा इनफैक्ट तीन नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो मजा ही आ जाएगा खाली वाटर के साथ थोड़ा सा बॉइल कर दो तो भी रिएक्शन हो जाती है क्या समझ में आई बात तो एस एन ए आर जो होता है इंटरमीडिएट कार्बेन आयन बनता है ध्यान रखिएगा इस बात का यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ क्या बना कार्बे ठीक है चलिए तो देखिए इनकरेक्ट रिएक्शन इनमें से इनकरेक्ट कौन है देखिए ध्यान से समझिए क्लोरोबेंजीन के साथ एनओ एच न्यूक्लोफाइलाया ना बेटा दिमाग में सोचिए एस एन ए आर हाई टेम्परेचर प्रेशर ठीक है टेम्परेचर है लेकिन यहां पर एक एन ओ टू माइनस एम लगा है बेटा तो यहां पर टेम्परेचर 443 केल्विन है यहां दो माइनस एम लगे हैं तो बेटा यहाँ पर टेम्परेचर थ्री फिफ्टी एट लग रहा है और तीन लगे हैं तो वार्म वाटर ये तो बात ठीक है समझ में आ रही है लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माइनस एम लगने से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगने से रिएक्टिविटी कम हो मतलब बढ़ जानी चाहिए कम टेम्परेचर पे हो जाना चाहिए तो यहां पर एक भी माइनस एम ग्रुप नहीं लगे हैं तो इतना कम टेम्परेचर कैसे लग रहा है आई बात समझ में जब इसमें माइनस एम ग्रुप लगे हैं इसीलिए टेम्परेचर कम है लेकिन इसमें तो माइनस एम लग ही नहीं रहा है और माइनस एम नहीं लग रहा तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर इनके कंपैरिजन में उसमें ज्यादा होना चाहिए था इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ ठीक समझ में आया चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए सबसे पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर में ले लेता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 याद है क्या देखो ISR का रिवीजन हो रहा है अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनेगा और यहाँ पे नाइट्रो बन जाएगा सॉरी 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 गलत हो गया यहाँ पे यहां पे क्या बनेगा बताइए यहां पर क्लोरीन तो रहेगा जो NO2 रहेगा वो इसके प्लस एम इफेक्ट से ऑर्थो के हाइड्रोजन और पैरा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा याद करो बेटा क्लोरीन की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए माइनस आई लगाते हैं क्या लगाते हैं माइनस आई और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको क्या लगाना होता है प्लस एम समझ में आई बात तो यहां पर इस पे NO2 ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा बट मेजर प्रोडक्ट क्या उनसा बनेगा पैरा वाला ही बनता है मैक्सिमम टाइम बस कुछ जगह ही अपने को दिखता है कि ऑर्थो बनता है मेजर जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो ठीक चलिए जब नाइट्रेशन हो गया तो सल्फोनेशन भी कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो तो बेटा मैं आप आपके सामने एक ही लिखूंगा क्लोरीन लिख के यहां SO3H लगा दे रहा हूं बाकी इसका एक ऑर्थो आइसोमर भी बन जाएगा सही बात है ना बेटा उसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसका क्लोरीनेशन कर दू सीएल एफ लगा दू तो सीएल टू के साथ, तो साथ क्लोरीनेशन करूंगा तो सिंपल सी बात है एक क्लोरीन यहां लग जाएगा एक क्लोरीन और बाकी जाएगा क्या आपको सबके इलेक्ट्रोफाइल का याद आ रहा है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफाइल एसओ थ्री होता है याद करो इसमें एनओ टू पॉजिटिव होगा इसमें सी एल प्लस हो जाएगा फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेसन करते थे याद है क्या आपको अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करें करे सी एस थ्री सी एल और एल सी थ्री ले लें तो ये लुइस के सीएल को निकाल के सी एस थ्री प्लस लाएगा और फिर ये इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन को क्या कर देगा सब्सटीट्यूट कर देगा याद आया और साथ ही साथ इसका ऑर्थो आइसोमर बना देगा क्लियर है बेटा अगर मान लो हम फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडलेशन करते हैं देखो तो बेटा इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे सी एस थ्री सीओ सी एल के साथ एल सी एल थ्री लेगा तो सी एल को ए एल सी एल थ्री खींच के बाहर और बाहर किया तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आ गया सी एल और यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्डो और यहाँ आ गया सी एस थ्री साथ ही साथ इसका और्थ हो तो बेटा देखो जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेसन करते हैं ये दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ठीक है उसमें जो फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं वो एसिड हलाइट से भी कर सकते हैं और एनहाइड्राइट से भी कर सकते हैं एनहाइड्राइट से ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, क्लियर समझ में आई बात ये? चलिए अब बढ़ते हैं आगे रिएक्शन विथ मेटल तो बताओ मैग्नीशियम ले लेंगे ड्राईथर के साथ तो क्या होगा ड्राईथर के साथ ले लेंगे तो कुछ नहीं अपने को क्या करना है एमजीसीएल बना देना है दिस इज ग्रिगनाइड रिएजेंट बन गया अब इसमें क्या कंसिडर करके दिमाग में चलना है कि हमारे पास ये है और रिएक्शन इसी से आगे बढ़ाना है कंसिडर हमेशा इस तरीके से करके ही आगे बढ़ेंगे समझ में आ गया चलिए अब आइए इधर अगर मान लो बेटा यहां पर सोडियम के साथ ड्राई इथर आ गया तो ये रिएक्शन तो और, और, तो बन बन और, और फिर यहां पर सोडियम ले लिया तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो बेटा आर और ये बन जाएगा लेकिन याद करो इसका भी रेडिकल बनेगा और इसका भी रेडिकल बनेगा तो क्या क्या ये भी साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएंगे ये भी साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएंगे क्या समझ में आई बात बेटा क्लियर हुआ क्लियर है यहां पे चलिए तो यहां पर एराइल हेलाइट की रिएक्शंस खत्म हो गई है अब आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं फिर टाटा बाय बाय करते हैं अपन ठीक है चलिए जल्दी से देखिए ये दोनों आपस में दिस इज एलकाइल हेलाइट एलकाइल हेलाइट आते ही दिमाग में क्या क्या आ रहा बताओ एन एस आर याद आ रहा है एन एलिमिनेशन मेटल के नाम पर रिएक्शन और रिडक्शन जोड़ दो दोनों को तो यहाँ पे ए में क्या बन जाएगा ये रहा एमजी और बीआर आर यहाँ पे एम जी जिस कार्बन से जुड़ा उस पर नेगेटिव मान लो नेगेटिव तो न्यूक्लोफाइल भी बन सकता है बेस भी अब जो ए बना H2O के साथ रिएक्शन करना है पहले सोचो क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपको दिखेगा हाँ है तो ये नेगेटिव इसके एच को खा लेगा अगर खा लेगा तो बना दो ये खत्म हो गया और क्या साइक्लोहेक्सन बन जाएगा अभी क्लियर है बेटा चल इधर देख ले आर बी आर के साथ एमजी तो यहाँ पर सी क्या बन जाएगा अच्छा वो तो इसको वापस लेके आना ओके तो देखो सी बनाना है समझो CH3 CH CH3 है तो मतलब यहां डी लेकर आना है तो अपन क्या करेंगे CH3 CH सी एस थ्री और यहां पे क्या आ जाएगा एम जी बी आर तभी तो इस पर नेगेटिव आएगा और डी टू की डी को खा के यहाँ डी लेके आ जाएगा और ये कब बनेगा जब आर पे यहां पर ब्रोमीन लगा रहेगा तभी तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ये बनेगा उल्टा रिएक्शन में गए हैं हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है भाई बोलो क्लियर हुआ समझ में आ रहा है क्या हम्म क्लियर चलिए अब इसको देखो अब यहां पे देखो क्या है ये रिएक्शन इसके साथ एल्काइल सोडियम रिएक्शन ये क्या करता था डबल करता था तो आरडेस पहचानना है तुमको कैसे पहचानोगे बताओ पहचानने का तरीका क्या है जो है उसका डबल क्या है ना तोड़ दो क्योंकि मुझे पता है वर्ड्स रिएक्शन क्या करता है जस्ट डबल कर देता है डबल करने वाले ऑर्गेनिक में दो ही रिएक्शन है एक तो वर्ड्स रिएक्शन और एक एल्डोल

तो MGX कार्बन पर नेगेटिव मान के H2O से H को खिला दो तो यहां पे बन जाएगा आइसोब्यूटेन बोलो क्या समझ में आ रही चीजें यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि लास्ट टाइप का है यहां पे लास्ट ही है आपका ये पांच मिनट का टॉपिक बचा हुआ है देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है बॉइलिंग पॉइंट का क्या करें बॉइलिंग पॉइंट का कैसे करें कैसे नहीं करें ठीक है तो, तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा समझिए कंपैरिजन अगर मुझे कोई करना पड़े कि एल्काइल हलाइड और एल्केन का सेम मोलिकुलर वेट लगभग रख के ठीक है मोलिकुलर वेट सेम रखना है सबसे पहले तो बॉलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा मोलिकुलर वेट पे मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा लेकिन क्या करते हैं देखिए अगर मुझे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और ये इसमें polarity, इसमें पोलैरिटी नहीं है तो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास कंपेयर टू दैरेंट हाइड्रोकार्बन उसी के कंपैरिजन में तो इंटर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल एंड वेंडरवाल्स रहते हैं किसमें हेलोजन के डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्गर होते हैं एल्केन के कंपैरिजन में इसीलिए एल्काइल हैलाइड का एल्केन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक दूसरी बात अगर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप सेम है तो बताइए आयोडाइड का ही ज्यादा होगा क्योंकि अगर एल्काइल सेम है तो आयोडीन लगाने से मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा तो तो सेम है तो हम ये काम कर सकते हैं ठीक दूसरी बात ये हो गई कि अगर मान लीजिए कि वो आइसोमर है आइसोमर का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम है तो उस केस में बेटा आपको ब्रांचिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी ध्यान से देखिएगा अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया जो होगा बेटा सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा कम और कार्बन जन सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वेंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो जाएगा कम और अगर वेंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा क्योंकि एट्रैक्शन कम होगा तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा उसको वेपर में कन्वर्ट कर, करने के लिए तो देखिए सबसे पहले में मोलिकुलर वेट चेक कर लीजिए अगर मोलिकुलर वेट सेम है आइसोमर्स हैं तो ब्रांचिंग देख लीजिए बेटा देखिए यहां पर ये देखिए एन है यहां पर देखिए यहां पर थोड़ी सी ब्रांचिंग बढ़ गई यहां पे और थोड़ी सी ब्रांचिंग बढ़ गई तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉयलिंग पॉइंट क्या हो रहा है कम होता जा रहा है ठीक है बेटा चलो लास्ट अगर हम देखें इधर बॉइलिंग पॉइंट की बात यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पे पे इसको बच्चे, इसको बच्चे क्या करते हैं टीचर्स थोड़ा मतलब मतलब कहीं कहीं मला, कुछ जगह बोल देते हैं समझा देते हैं देखो समझने का इसमें बस ये है पहले कौन बाद में कौन है इसका ऑर्डर नहीं बता सकते पहले बताओ मेरे को अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में इसका ज्यादा क्यों है? मैं तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा हूँ याद रखने का तरीका डाइपोल मोमेंट से डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा है

यहाँ पे एंगल बढ़ते जा रहा है तो यहां पर एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे यहां तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा ठीक क्लियर है मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड कर दिए डाइपोल डाइपोलम से क्लियर किए लेकिन हर जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये दोनों याद करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बेटा डि डिसाइड करता है कि क्रेस्टर लैटिस में वो कितने अच्छे से फिट बैठा हुआ है ठीक है मतलब हाँ बेटा देखो क्लियर हुआ क्या बेटा क्लियर हो गया क्या साक्षी प्रिया क्लियर चलिए ठीक है थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको देख लेते हैं चलिए तो हम लोग डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं बेटा देखो डायपोल मोमेंट में कुछ याद करने वाली चीजें याद रखना बेटा देखो सीएस थ्री एफ सीएस थ्री सी एल मुझे बताओ इनमें से सी एस थ्री सी एल का ज्यादा होता है बहुत बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चों को याद नहीं होगा याद करो क्योंकि डाइपोलमेंट क्यों इंटू डी दोनों पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकल चीजें हैं हम सिर्फ इसको रिलेट कर सकते हैं बट यहाँ पर सी एस थ्री सी एल का सी एस थ्री एफ से ज्यादा होता है बाकी कोई दिक्कत है नहीं आराम से आप लिख सकते हो सी एस थ्री बी आर एंड सी एस थ्री आई में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है क्या समझ में आई बात दूसरा अगर हम बात करें दूसरा तो जरा आप सोचना इसको दिस इज इथाइल हलाइट एंड दिस इज इथीनाइल हलाइट जरा ध्यान से देखिए तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है बेटा ज्यादा होगा एस कंपेयर टू इसका क्योंकि यहां पर देखें तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दू यहां पर ध्यान से देखना बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दे दू और यहां पर रेजोनेंस लगा दू तो डायपोल मूवमेंट कार्बन क्लोरिन के बीच में इसका ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोन

कोई दिक्कत नहीं है ठीक है साक्षी प्रिय थोड़ा सा तो पीछे का देख लेना कोई इशू नहीं है इसमें देखो मैं बता देता हूं सॉलिबिलिटी की बात है कि, कि वाटर में काफी कम डिजर्व होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने है ना चलिए लास्ट है बेटा पॉली हेलोजन कंपाउंड सब लोग जरा देख लो एक बार एन का लास्ट पेज एक बार निकालो सब लोग एनसीआरटी में हेलो हेलोअल का लास्ट पेज निकालो तो आपको यहां पर दिखेगा देख लो इधर लास्ट पेज यहाँ पे आपको दिखेगा डाइक्लोरोन ट्राइक्लोमिथ क्लोरोफॉर्म क्लोरो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की एप्लीकेशन आप एल्डिहाइड की टोन में पढ़ते हैं पढ़ाई गई है आइडोफॉम को भी वहीं पे पढ़ते हैं कि एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज़ होता है फिर एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है और पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं और डी डी टी के बारे में बताया गया है ठीक है तो ये पेज आपको खुद से पढ़ना है बेटा इसको एक बार जरूर एक बार रीड कर लें कि इसमें क्या है और क्या नहीं है कुछ एकाद बातें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी बाकी और कुछ इसमें नहीं है तो इस तरीके से एक बार एन पेज पलट के देख लो सारी चीजें मैंने एक एक चीज आपको सारी चीज़ जो भी थी इसमें सब के सब बता दी मैक्सिमम एग्जाम्पल्स भी इंटेक्स क्वेश्चन के ले लिए हैं ठीक है और इसके कन्वर्जेंस जो है बेटा इसके कन्वर्जन नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसके कन्वर्जेंस बहुत सारे अमाइन चैप्टर से भी रिलेटेड हैं तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी हालांकि ये बात सही है कि साढ़े तीन घंटे लग गए लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है अगर आप देखें तो एल्कोहल फिनोल इथर चैप्टर छोटा है अमाइन भी छोटा है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड जो है चैप्टर वो काफ़ी बड़ा है बेटा वही एक चैप्टर एक बड़ा है कि हेलो एल्केन हेलो रिन्स के बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड तो बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो जरूर इसके टेलीग्राम चैनल पर थोड़े देर थोड़ी देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा आप ज़रूर देख लें बाकी अगर आपको और भी कोई लेक्चर चाहिए होंगे तो ये वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें बाकी आपको उस समय दे दिया जाएगा जैसा जैसा लेक्चर का डिमांड आएगा वैसा वैसा आपको लेक्चर अवेलेबल कराया जाएगा इसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था कि सर वो हेलो हैलोल हेलो रेंज का बता दो तो उस पर मैंने बताया था चलो भाई सबको बढ़िया लगा चलिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा बेटा ऐसा क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा कि टॉप फिफ्टी क्वेश्चन फॉर नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा करके कुछ लेकर आऊंगा मैं है ना तो पहले मैं चाह रहा था एक बार सारे टॉपिक्स को कवर करा दूं नेटफ्लिक्स में अगर आपको सही लगे ये चैनल तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और बोलो सब्सक्राइब करने के लिए ताकि उनका भला हो ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट बेटा और जैसा कि सेशन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में वाईसएस सर भी आने वाले हैं योगेंद्र सर भी कुछ अपना लेक्चर लेकर आएंगे इनऑर्गेनिक में और भी सर लेके आएंगे एमकेटी सर लेकर आने वाले हैं ठीक है और आज का सेशन था ही सुबह में एम एस आर सर का तो केमिस्ट्री की तो टेंशन लो मत धीरे धीरे हम लोग करा रहे हैं बाकी फिजिक्स से टीचर फिजिक्स से करा रहे हैं तो बने रहिए चैनल पे ऑल